अवसर दिया है और मुझे मौका दिया है कि मैं आप सभी लोगों की भागीदारी के साथ में इस टॉपिक पर बात करूं। तो मुझे लगता है कि हम सारे के सारे लोग जितने भी हैं वो सारे शिक्षक हैं, किसी न किसी रूप में, चाहे प्रिंसिपल है तो भी शिक्षक है, क्योंकि हम सब लोग मुख्य रूप से शिक्षण एवं शिक्षार्थी का कार्य करते आ रहे हैं। हम में से हर व्यक्ति विद्यार्थी भी है और हर व्यक्ति शिक्षक भी है। बोलो, कुछ बोलना। तो हर व्यक्ति शिक्षार्थी भी है, हर व्यक्ति शिक्षक भी है। तो बहुत अच्छा टॉपिक है आज हम सारे शिक्षकों के लिए कि आखिरकार शिक्षण क्या है और विद्यार्थी की समझ उस पर कैसे बन पाती है। अभी हम में से कई सारे लोग जो प्राइमरी के हैं, सेकेंडरी के हैं या कॉलेज के हैं, उन सबकी एक समस्या रहती है कि हम पढ़ाते तो बहुत हैं लेकिन बच्चों की समझ नहीं आता, या बच्चे ये कहते हैं कि हमारे शिक्षक समझ में ऐसा नहीं पढ़ाते कि हमें समझ आ पाए। तो आखिरकार कहीं ना कहीं एक गैप है और वो जो गैप है उस पर आज अपन बात करेंगे, क्योंकि हमारे कई सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे परिणाम दे रहे हैं और उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे काफी अच्छी अच्छी मुकाम पर पहुंचे हुए हैं और काफी सफल भी हैं। तो अभी अपन बात करेंगे शिक्षण, शिक्षार्थी अथवा शिक्षा। तो अपन एक एक बार ये देखें शिक्षा है क्या, क्योंकि सबके मूल में, चाहे तो शिक्षार्थी हो चाहे शिक्षक हो, ये सबके मूल में एक शिक्षा शिक्षा है। तो ये शिक्षा के बारे में अपन क्या समझते हैं, आप में से कोई बताएगा, क्योंकि ये आज का सेशन ये वन वे नहीं होने वाला है। मैंने जैसे लिखा था कि प्रमुख वक्ता के रूप में कृष्ण अवतार शर्मा एवं समस्त पार्टिसिपेंट, जो सारे लोग आज प्रमुख वक्ता है, कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर प्रमुख वक्ता नहीं है बल्कि सभी लोग इस सेशन को लीड करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे मदद करें कि ये शिक्षा क्या है, या ऐसे कहें शिक्षा, इस। गुड हाँ जी आफ्टरनून सर। हाँ बोलिए मैडम। शिक्षा जो है एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जिसमें कि टीचर्स और बच्चे आपस में मिलके कुछ नया सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। जी बिल्कुल। और कुछ? हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ बोलिए कमल जी, बोलिए सर। क्वेश्चन मेरे आगे। हिसाब से सर शिक्षा वो है जो एक जीवन शैली को, कुछ सीखने के बाद जीवन शैली को एक व्यवस्थित क्रम से आगे की ओर जीने के लिए प्रेरित करे, वो शिक्षा है सर। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये एक और आग्रह कुछ? मेरा सर कि जो भी साथी अपनी बात रखें, विचार रखें, तो पहले अपना नाम अगर रख देंगे समूह में हाँ, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हमारे बीच में कई सारे शिक्षाविद लोग जुड़े हुए हैं, किशन जी हैं, महेंद्र जी गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। तो हाँ थोड़ा सपोर्ट करें, शिक्षा क्या है। नमस्कार कृष्णा अवतार जी, हाँ महेंद्र जी सर। और नमस्कार सभी साथियों। अच्छा बहुत ही अच्छा आज का चर्चा का विषय रहा है, और इसलिए जब बिंदु मैंने देखा तो इसे जुड़ने की मेरी इच्छा हुई। और जैसा कि कृष्णा अवतार जी कह रहे हैं, शिक्षा क्या है, शिक्षा में वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी बात रखी है, परिभाषाएं दी है, पर प्रमुख रूप से अगर हम ये कह सकते हैं कि मानव जीवन का जो सर्वांगीण विकास की बात हम करते हैं, जिसमें उसका व्यक्तिगत भी कहें, अपन भावात्मक कहें, बौद्धिक कहें, सामाजिक कहें, क्रियात्मक कहें, तो ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बात करती है वो शिक्षा करती है। जी अभी मैं केवल इतनी की बात रखूंगा, बाकी बीच बीच में हम आगे चलेंगे, चर्चा करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और कोई साथी? गुड आफ्टरनून सर, एक बार मैं फिर से बोलना चाहूंगी। एक्चुअली शिक्षा को हम किसी पर्टिकुलर चीजों में नहीं बांध सकते, बहुत सारी बातें शिक्षा को लेके हम करते हैं। शिक्षा क्या है, एक व्यवहारगत परिवर्तन है जो किसी भी मनुष्य में व्यवहारगत परिवर्तन लाती है, उसकी जीवन शैली में बदलाव करती है,
उसके जीवन जीने के तरीके को उन्नत बनाती है और वो अपने आप को समाज में सर्वाइव कर पाता है और देश के विकास के लिए कुछ काम करता है, समाज के लिए काम करता है, यानी अपनी उन्नति के साथ साथ वो देश का और समाज का भी विकास करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेके, और एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया तो है ही, तो बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड हम शिक्षा में करते हैं। कोई दो लाइन में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि शिक्षा क्या है, बहुत सारे इसके पहलू हैं जी। कृष्णा गुप्ता जी ने बढ़िया बात बताई कि ये कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसको कि हम कुछ शब्दों में, कुछ वाक्यों में हम सीमित कर सके। बाकी और मेरे कई साथी, उषा जी हैं, अरुणा जी हैं, सीमा जी हैं, शिक्षा की तो कोई उम्र नहीं होती है, बचपन से लेके मृत्यु पर्यंत अपन सीखते ही रहते हैं। तो कुछ सीखना ही अपने आप में शिक्षा है और उसको ग्रहण करना मेन तो यह है कि शिक्षा अपन ने प्राप्त कर ली लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारा तो शिक्षा किसी काम की नहीं रहती है, मेरे तो यही विचार है जी। और मैं भी ये गुड आफ्टरनून सर। जी जी गुड आफ्टरनून सर। शशि बोरा जोधपुर से जी, फरमाइए शशि जी। हाँ शशि जी, बहुत अच्छा वीडियो नहीं दिख रहा, मैंने ओपन नहीं कर रखा है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप भी काफी सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, एनजीओ से जुड़े हैं और आपको काफी कॉलेज वगैरह में भी पढ़ाने का अनुभव है जोधपुर से। शशि जी आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करें। नहीं मैंने तो आपको सीखा है सर बहुत कुछ, जब शुरुआत की थी तो आपके साथ ही किए, तो अभी जो बात चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं अभी बीएड कॉलेज में हूँ सर, अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों के साथ काम किया था मैंने, अभी मैं बीएड कॉलेज में हूँ। तो शिक्षा तो सर पूर्ण रूप से मेरे ख्याल से शिक्षा से ही मनुष्य में बदलाव लाया जा सकता है, जो भी हम हैं एक्चुअल में वो शिक्षा से ही सामने आते हैं, बाकी जो हमारी अंतर्निहित जो क्षमताएं जो योग्यताएं वो छुपी रहती हैं, लेकिन शिक्षा से हमें गाइडलाइन मिलती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं जी। बिल्कुल ठीक। मैं पहले तो एक ये बात बता दूं आपको सभी को कि मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि शिक्षा क्या है, बल्कि हम मेरी समझ में शिक्षा क्या है, ठीक है ना। कि अब नेल्सन मंडेला ने जो समझा कि शिक्षा क्या है, महात्मा गांधी जी ने बोला कि शिक्षा क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बोलते हैं, वो उनकी समझ में शिक्षा है। लेकिन हम अपने से बात जब करेंगे तो समझ आएगा कि शिक्षा मेरे दृष्टिकोण में क्या है, या मैं अभी तक जितने अनुभव लेकर आई हूँ या अनुभव लेकर आया हूँ, तो मेरे दृष्टिकोण में तो साहब शिक्षा से मैं ये समझती हूँ या ये समझता हूँ, हमें तो बस अपने मन की बात करनी है जी। और कोई तो डॉक्टर जगदीश शर्मा जी ने हैंड रेज कर रखा है जी। बिल्कुल हाँ जगदीश शर्मा जी। गुड आफ्टरनून सर, मैं सीमा जैन जोधपुर से बायोलॉजी लेक्चरर जी। धन्यवाद, आज जोधपुर का अच्छा जुड़ाव हो रहा है हमारे साथ, राजस्थान का जोधपुर जिला भी जी। मैंने डाउनलोड किया ऐप, मैंने कहा नहीं सर के सर से मैं जुड़ना चाहूंगी, आपके साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा सर। मैं ये कहना चाहती हूँ शिक्षा जैसे जो लोग शिक्षित नहीं है काम वो भी करते हैं, हर चीज करते हैं, उनके अपने अनुभव होते हैं, लेकिन जो शिक्षा होती है जब हम शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो हमारी सोच में एक सकारात्मक जो परिवर्तन आता है वो एक एजुकेशन की वजह से ही आता है जी। किसी चीज को कैसे, जैसे ग्लास आधा खाली है या भरा हुआ है, तो वो हमको शिक्षा ही सिखाती है, बाकी अनुभव जो है सारी चीजें जो नहीं शिक्षित है वो व्यक्ति भी अपना जीवन अच्छे से गुजार लेते हैं, लेकिन एक सोच है और एक समाज को एक नए डायरेक्शन में ले जाने की जो बात होती है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। जी जी सीमा जी आपने बढ़िया बात बताई कि शिक्षा के द्वारा जो सकारात्मक सकारात्मक परिवर्तन है। एक चोर यदि किसी अपने शागिर्द उसको चेले को वो सिखा दे कि ताला कैसे तोड़ा जाता है, या चाबी को किसी की दुकान में कैसे आपको सुरंग लगाई जा सकती है, तो वो सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं हुआ। तो यदि उस शिक्षा का प्रयोग, अब बात ये आती है कि मैंने किसी विद्यार्थी को सिखाया
पहली बात तो ये कि जरूरी नहीं है कि किताबी ज्ञान से हमने किसी को सिखा दिया, ज्ञान दे दिया कुछ, ये शिक्षा हो गया। यदि किसी को मैंने अपने चेले को सिखा दिया किसी उस्ताद ने कि ताला कैसे खोला जाता है, तो यहाँ पर उसकी शिक्षा हो गई। लेकिन यदि वो उस ताले का उपयोग, जैसे कोई बैंक का लॉकर यदि उसकी चाबी खो गई है, किसी मकान मालिक की यदि ताले की चाबी खो गई है, और वो यदि उस व्यक्ति को बुला के अपने ताले की चाबी बनवाता है, तो मेरे हिसाब से ये सकारात्मक परिवर्तन होगा। और यदि वो अपने हित के लिए, समाज के अहित के लिए वो यदि ऐसा काम करता तो वो शिक्षा होती है। तो सीधा सीधा उद्देश्य ये है, शिक्षा का मतलब कि जो समाज द्वारा सहज स्वीकार्य हो वो शिक्षा होगी। हमारे द्वारा सकारात्मक परिवर्तन जो कि समाज के द्वारा सहज स्वीकार्य हो, उसको हम शिक्षा के दायरे में ला सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि और कोई हमारे साथी जोड़े ये पीछे बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही है, तो वो या तो हो जाए मैं, या फिर सभी के साथ बंद करता हूँ, बंद करता हूँ। सर एक मिनट, जो टीचर पढ़ाते हैं वो हमको समझ नहीं आता है। डेफिनेटली सर ऐसा होता है कि हम अपना जो सिलेबस जो होता है वो खत्म करने में लगे हुए होते हैं, कि हम सोचते हैं हम अपना पाठ्यक्रम पूरा कर ले और जैसे तैसे इन बच्चों को पढ़ा करके अपना इतिश्री समझ लेते हैं। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। बस हमको ये प्रयास करना होता है कि जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं जिस दिन, वो हम किस तरह से बच्चों के सामने बेस्ट तरीके से परोसे, चाहे हम 20 मिनट की चीज पढ़ा रहे हैं लेकिन उनको बहुत अच्छे प्रयास के द्वारा और उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज करा करके, उनको पार्टिसिपेट करके यदि हम उस चीज को पढ़ाएं। बिल्कुल ठीक सीमा जी, बिल्कुल ठीक। और बाकी मेरे कई प्रिंसिपल साथी भी जुड़े हुए हैं, किशन जी टेलर सर आप कुछ बताएंगे? सर मैं बोल रही हूँ। हेलो जी, सर बोलिए जी। हाँ मैं पता है, बहुत अच्छा बताऊँ। वास्तव में हम अगर ना सही तरीके से परोसते हैं बच्चे को, या मतलब शिक्षा के माध्यम से, तो बच्चा यानी खाने में ज्यादा मिलेगा। अगर हम बच्चे को शिक्षा में उदाहरण देके या कोई प्रैक्टिकल करा के कोई भी अगर ऑप्शन लेके हम अगर बच्चे को सिखाएंगे तो वो आगे तक भी नहीं भूल पाएगा। अगर उसको बचपन में कोई चीज सिखा देते हैं, उनका नाम भूल सकते हैं। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा प्राप्त करके ही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपना ऑप्शन ढूंढता है अपने, मतलब मैं आज इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ या डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, या मतलब कि कुछ भी अगर वो बनना चाहेगा वो टीचर बन सकता है। तो सबको मिली भी है, खाना खाना सब जानते हैं, पानी पीना सब जानते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या होता है वो शिक्षा के मार्फत से ही सीख सकता है वो। बिल्कुल। तो मनीषा जैन जी का हैंड रेज हो रखा है और डॉक्टर जगदीश शर्मा जी का हैंड रेज है काफी देर से। तो सर मैं बोल सकती हूँ अपनी बात, क्या जगदीश जी सर बोल रहे हैं? बोलिए मनीषा जी, बोलिए। चलिए सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। सुन रहे हैं? ये नहीं आ रही है। हाँ आवाज आ रही है आपकी। अच्छा सर जगदीश जी सर बोल रहे हैं, मैं बोलूँ मनीषा जी? हाँ मनीषा जी आप बोलिए। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, और मेरे बहुत सारे साथियों ने शिक्षण पे बहुत सारी बातें कर ली अभी, जस्ट अरुणा मैम भी बता रही थी, बहुत अच्छा से उन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया, बताया भी।
तो मतलब सुन के थोड़ा सा मेरे दिमाग में जो बात आई कि जो प्रभावशाली जो शिक्षण होता है उसमें जो बुनियादी बात है सर, वो मुझे लगता है कि शिक्षण जो है वो दो तरफा होना चाहिए। सुन रहे हैं सर? शिक्षण जो है दो तरफा होना चाहिए, मतलब हम बात कर रहे हैं कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए, मतलब हम ये केवल इतना सा बताते जा रहे हैं कि शिक्षण इस तरीके का हो, शिक्षण उस तरीके का हो, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम बच्चे को भी पढ़ ले, मतलब उसका जो व्यक्तित्व होता है उसको हम जान ले। सर हर बच्चा डिफरेंट होता है एक दूसरे बच्चे से, मतलब हर बच्चे की अलग अलग क्वालिटी होती है, तो क्लास में जाने से पहले जरूरी कि हम हमारी तैयारी करके जाएं बच्चे के हिसाब से। और हर बच्चे को हम महत्व दें। और बच्चों को मतलब बच्चों की कि शिक्षण में संवाद की गुंजाइश हो, क्लासरूम में बच्चों की भी आवाज हमें सुनाई दे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है आज के कॉन्सेप्ट में अगर हम शिक्षण की बात करते हैं तो, कि ये जो बच्चे का मनोबल है वो बढ़े हो, अगर वो क्लास से छोटी क्लास से ही अगर उस तरीके का उसमें मनोबल बढ़ता है तो आगे जाके जरूर जिंदगी में अपने आप को रख सकता है समाज के सामने। तो मुझे लगता है कि शिक्षण में जरूरी है कि हम बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दें, हम क्या पढ़ा रहे हैं इससे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि हम बच्चों को सुने, बच्चों को समझे और बच्चों को मौका दें कि वो जिंदगी में अपने आप को रख पाए, अपनी बात को रख पाए। जी अभी आपने जो बोला था, क्या नाम है आपका? मैं नाम सुन नहीं पाया। मनीषा जैन। मनीषा जी, अच्छा मनीषा जी आप टोंक से? जी 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 सर, टोंक है ना, बिल्कुल ठीक। मनीषा जी ने दो तीन बात जो बताई थी वो ये कि एक तो शिक्षा दो तरफा होना चाहिए, दूसरा हर बच्चा अलग होता है, एक दूसरे से अलग होता है, तो कभी भी किसी दो बच्चों में आपस में हमें तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहिए और बच्चे को आगे बढ़ के बोलने का मौका देना चाहिए। ये तीनों ही चीज वाकई शिक्षा की एक जिसे बोलते हैं पहल या शिक्षा का जो आधार स्तंभ है वो ये है कि पहली बात शिक्षा एक तरफ से नहीं हो, शिक्षा हमारी दो तरफ है। केवल पहले एक पद्धति होती थी कि तू मैं पढ़ूं और तू सुन, या एक तरफा मैं लेक्चर मेथड हुआ करता था, लेकिन अभी लेक्चर मेथड को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा, अभी दिया जा रहा है कि शिक्षक भी बोले और उससे ज्यादा विद्यार्थी बोले, और बल्कि बोले ना उसका क्रियात्मक। पहले हम मुझे याद है कि बचपन में जब हम पढ़ते थे तो हमारे शिक्षक ये मुख्य मुख्य प्रश्न है इनको कर लो, और नीचे होता था क्रियात्मक, तो क्रियात्मक में होता था कि कुछ पत्तियां बटोरे, उन पत्तियों को अपने घर में लगाएं, कुछ ऐसे करें, तो हमारे शिक्षक बोलते थे इनको रहने दो ये एग्जाम में नहीं आएंगे। लेकिन अब एकदम धरना बदल गया, अभी जो वर्तमान की जो अपनी शिक्षा पद्धति है वो ये बताती है कि अब उसको एबीएस अर्थात उसको लर्निंग उसको सीखना करके सीखे, जो पहले लेक्चर मेथड था उसको हटा करके वापस लर्निंग वाला एक्टिव बेस्ड लर्निंग वाला इनको आ गई। और सर मैं कुछ कहना चाहूंगी, मेरी बात सर आपने एक बात कही थी कि समाज के द्वारा सहज स्वीकार्य है वही शिक्षा है, ये शायद आपके विचार हैं, लेकिन मैं अपने विचार ये मानती हूँ, मेरे विचार से शिक्षा वह है कि समाज के द्वारा तो स्वीकार्य है, लेकिन आप बताइए मुझे एक बात कि एक बच्चा यदि 40% मार्क्स लाता है तो क्या वो समाज के द्वारा स्वीकार्य है? एक बच्चा 100% मार्क्स लाता है तो समाज उसको सहज स्वीकार करता है और उसको बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन एक 40% वाले बच्चे को समाज स्वीकार करने में झिझकता है, तो मेरी नजर में 40% वाला अगर वो शिक्षा को इस तरीके से सीखता है कि वो दो सवाल सीखता है लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे से समझ के सीखता है तो वो बेस्ट है, और एक 100% वाला है जो कि रटता है सवालों को और थोड़ी देर बाद भूल जाता है, तो मतलब हम कहेंगे कि लर्निंग जो है वो स्थायी नहीं है, तो वो मेरी नजर में शिक्षा नहीं है। 100% जरूर वो लेके आ रहा है, समाज उसको स्वीकार भी कर रहा है, लेकिन जो 40% वाला बच्चा है उसको मैं ज्यादा अच्छा मान रही हूँ, भले उसको समाज स्वीकार नहीं करे
या वो समाज में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जिएगा, क्योंकि उसने जो भी सीखा है वो समझ के सीखा है, तो अपने जीवन को उन्नत वो ज्यादा अच्छा बना पाएगा। और 100% वाले भी ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ऐसे होते, कुछ बच्चे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं सारा कुल मिला के, बात ये है कि बच्चे में व्यवहारगत परिवर्तन लाए, उसको सकारात्मक परिवर्तन लाए और उसको सीखने का ज्यादा अवसर मिले, मौका मिले और वो करके सीखे, तो यही शिक्षा। थैंक यू। कृष्णा जी, आपने जो मुद्दा उठाया है और वाकई ये वो मुद्दा था जिस पर अभी हमें आगे डिटेल में बात करनी थी, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको 40% वाला बच्चा भी आपको सहज और सुगम में लगता है, आपको नहीं लगता कि 90% वाला ही बच्चा शिक्षित है, आपको लगता है कि 40% वाला भी लड़का वो भी स्वीकार होना चाहिए। मैंने जब समाज की बात करी तो आप भी समाज का हिस्सा है, और जब आपने 40% वाले हिस्से को, समाज को स्वीकार कर लिया आपने, तो मुझे लगता है जब आपने स्वीकार कर लिया तो समाज क्यों नहीं स्वीकार करेगा। खैर, अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, अभी केवल मोटा मोटा अपन जानकारी लेना चाह रहे हैं शिक्षा से संबंध, फिर अपन बात करेंगे शिक्षण क्या है। जी कृष्णा गौतम जी, जी हाँ बोलिए सर। हेलो सर। हेलो, हेलो बोलिए कमल जी। हाँ सर, कमल से नहीं बोल रहा हूँ, प्राइमरी एजुकेशन टीचर डिग्गी से। कृष्ण तौजी, मेरे आपसे एक क्वेश्चन है सर, क्या केवल जैसे अभी मैम बोल रहे थे अभी कि केवल अपन किताबी ज्ञान को पूर्ण शिक्षा कह सकते हैं क्या? हाँ यही तो प्रश्न है, इसी बात की तो चर्चा हो रही है। हाँ हाँ, ये क्या पूर्ण किताबी ज्ञान क्या है? हेलो सर, एक और मतलब चर्चा हो रही थी कि भाई शिक्षा सकारात्मक पहलू जीवन का, जीवन में सकारात्मक पहलू लाने के लिए जो शिक्षा होती है, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के लिए वो फिट बैठती हो। मेरे हिसाब से शिक्षा देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना रूप भी बदलती है। हाँ हाँ, तो उसको केवल एक ही मतलब आपके लिए जो सकारात्मक है जरूरी नहीं मेरे लिए वो सकारात्मक हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कृष्ण अवतार से कुछ कहना चाह रहा हूँ जी। मेरा मानना है कि शिक्षा के लिए हम ऐसी बाध्यताएं तय नहीं करें कि कौन तय करेगा शिक्षा क्या है, इसके लिए बच्चे को स्वतंत्र छोड़ा जाए, बच्चे को सीखने के अवसर मुहैया कराए जाए, बच्चे को ये तय करने का अधिकार हमें नहीं है कि वो किस तरह से सीख रहा है, लेकिन सीखना उसका हो जाए, उसके लिए एक वातावरण देने का कार्य, परिवेश देने का कार्य, उसके लिए एक फैसिलिटेटर का कार्य, सुगमकर्ता का कार्य वो शिक्षक और समाज करे। हम ये तय नहीं करें कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा, शिक्षा क्या है। शिक्षा अपने आप में एक सर्वांगीण विकास के आयामों को तय करने का एक माध्यम है, लेकिन बच्चे तक पहुंचने के लिए केवल एक साधन के रूप में हम उसको काम में लें, ना कि ये तय करने वाले एक विरोधाभासी आपस में हम ये तय नहीं कर पाए। इसके लिए आवश्यक है हमें समुदाय, शिक्षक, विद्यालय, परिवेश और समाज, इन सबको साथ में मिलकर के इसके लिए काम करना होगा। और बच्चे को स्वतंत्र छोड़ करके बच्चा यदि खुद जो सीख रहा है उसको यदि व्यापक दायरे में, व्यापक पैमानों में हम यदि स्वीकार करें, और बच्चे के द्वारा जो आत्मसात किया जा रहा है, बच्चा खुद करके जो कार्य कर रहा है, अलग अलग उसके सिद्धांत हैं, बखूबी आप जानते होंगे, विस्तार से कभी चर्चा करेंगे, यदि उन चीजों पर बच्चे के साथ में ज्यादा कार्य किया जाए तो मेरा मानना है कि वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि बच्चा कैसे कर रहा है नहीं कर रहा, बच्चे का सीखना होना सुनिश्चित होना चाहिए, ये मेरा मानना है इसमें। लेकिन एक सर, हालांकि अमित बालोत्रा जी का हैंड रेज है और मीना गौतम जी का हैंड रेज है, तो ये दोनों साथी अपनी बात रखें और किशनलाल जी सर का भी हैंड रेज मान ले जी। तो जी सर का भी हैंड रेज है, तो बोलिए सर। नमस्ते। हाँ, मेरा निवेदन ये है सर कि किताब तो एक टूल है, एक आधार है, बाकी उस बेस को लेकर के हम शिक्षा को व्यवहार में कितना उसको आत्मसात करा सकते हैं एक बच्चे को, तो कहीं जाकर के उसका एक संपूर्ण विकास की हम बात कर सकते हैं।
जी जी बिल्कुल। देखिए किताब की यदि हम बात करें तो बच्चे को क्या सिखाया जाना है वो एक आधार है हमारे पास। किताब की यदि हम बात कर रहे हैं तो क्या सिखाया जाना है वो एक आधार में। यदि हम एक हिंदी की बात करें तो उसमें क्लास थर्ड में थर्ड के बच्चे को हिंदी में क्या क्या शब्द आ जाना चाहिए, कौन सी संरचना पर बात हो जानी चाहिए, वो केवल एक आधार है। अब शिक्षक के ऊपर है कि वो उसके साथ में और अधिक कितना काम कर सकता है, कितना आगे तक उसे ले जा सकता है। अब बच्चे के ऊपर है कि वो बच्चों कहां तक काम करने के लिए अपने आप को कार्य करवा सकता है या बात कार्य कर सकता है। देखिए पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक ये केवल साधन है, साध्य नहीं है। साध्य केवल बच्चा है और शिक्षक कार्य करना है उसके लिए। एक यदि हमें पढ़ाना है एक पर्यावरण को पढ़ाना है तो उसमें वृक्ष भी उसका एक पार्ट है, लेकिन एक वृक्ष को पढ़ाने से पर्यावरण नहीं हो जाएगा जी। उसके लिए बहुत सारे साधन, बच्चे को हमें स्वतंत्र छोड़ना है, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम से आगे निकालने का हमें प्रयास करना। यदि अन्य देशों की बात करें तो वहां तो पाठ्यचर्या ही खुद विद्यालय तय करता है, स्वीडन में पाठ्यचर्या खुद विद्यालय के द्वारा तय की जाती है, शिक्षक तय की जाती है कि हमारे बच्चे पर कहां बात करनी है। लेकिन हमें परिस्थितियों में हमें शिक्षक को छोड़ना चाहिए, तो ये स्वतंत्रता कि वो किन आधारों पर उस संक्रियाओं की बात करें कि क्लास फाइव में कौन कौन सी संक्रिया। तो सर मेरा एक सवाल था, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आजकल जो जितने साइबर कैफे जैसे क्राइम हो रहे हैं और जब वो अखबार में या जिनमें आता है कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, एमए पीएचडी किए हुए होते हैं और टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और वही व्यक्ति फिर ये साइबर कैफे वाले जैसे क्राइम में ज्यादा शामिल होते हैं, तो कहाँ कमी रह जाती है कि वो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने आप को एक आदर्श या एक अच्छा समाज बनाने में कोई योगदान नहीं दे पाए। हेलो, हाँ मेरी बात सबको सुनाई दी या नहीं दी पता नहीं। सुन गए है ना, सुन गए, हाँ ठीक। ये मेरा बार बार कनेक्टेड तो कट रहा है, पता ही नहीं है बार बार। ये अभी अचानक बहुत सारे साथी डिस्कनेक्ट हुए हैं तो कहीं कहीं ये कुछ नेटवर्किंग ऑटोमेटिक हुआ सर, हमने मेरा सवाल तो ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं, सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा की बात कर रहे हैं और पढ़ाने के तौर तरीकों पर बात कर रहे हैं, तो ये सब चीजें सही है, लेकिन आजकल जितने जो साइबर कैफे जैसे क्राइम हो रहे हैं वो सब पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, बहुत हाई टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं, वो फिर भी इस तरह के क्राइम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो उनकी शिक्षा में कहाँ कमी रह जाती है कि ऐसा भी नहीं है। अगर उनके मार्क्स की बात करें तो बहुत सौ के 80% मार्क्स भी मिलेंगे आपको और कक्षा में भी होशियारी का रिकॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन फिर भी समाज को एक दूसरी दिशा दे रहे होते हैं, तो कहाँ कमी रह जाती है। यानी जिस तरह का एक नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, एक अच्छा समाज बनाने वाले वैल्यूज की बात करते हैं, संवैधानिक वैल्यूज की बात करते हैं, वो उनमें बहुत कम दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा मुरली जी आपने, और इससे पहले किशन जी जो बात कर रहे थे बिल्कुल ठीक है कि हुआ कि सही है कि हम लोग ये निर्धारित करने वाले नहीं है कि शिक्षा क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम बात करनी है आगे कि शिक्षण और विद्यार्थी उसकी समझ, तो हमें एक बार थोड़ी मोटी मोटी समझ बना लें। और मैंने शुरू में ही ये कहा कि हम किसी परिभाषा में बंद करके नहीं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था या नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था, उन्होंने अपने दृष्टिकोण से कहा था, उन्होंने अपने देश काल वातावरण के हिसाब से कहा था,
महात्मा गांधी तो बोलते थे कि यदि शिक्षा का सीधा सीधा पर्याय उसके रोजगार से है, यदि जो शिक्षा रोजगार नहीं दिलाती तो मेरे हिसाब से शिक्षा नहीं है। तो ये उनका सोचना था उस समय देश में जो भुखमरी थी, उस समय जो देश की और देशकाल परिस्थिति की जो नजाकत थी वो यही कहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे शिक्षा का परिदृश्य बदलता जाता है, उसके स्वरूप बदलते जाते हैं। पहले कभी शिक्षा जब कलम और पेपर पर लिखी जाती थी, उसके बाद फिर कागज पर आई, उसके बाद अब जो शिक्षा का रूप जिसमें कि हम आपस में एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक माध्यम है। लेकिन ये माध्यम है पर एक शिक्षा नहीं है, ये तौर तरीके हो सकते हैं। अभी मेरी एक कल एक मित्र से बात हो रही थी, एक उन्होंने वीडियो शेयर किया था कि दो लोग उन्होंने पीपल के पत्ते से और इतना शानदार तरीके से जो बैंड बाजे की धुन जो आती है, बारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, वो दोनों मिलकर के पीपल के पत्ते के साथ इतनी शानदार धुन बजा रहे थे। तब मुझे लग रहा था कि बहुत जरूरी नहीं है, कहते ना कि शिक्षक के जो टीएलएम है वो टीएलएम के बाहर नहीं है, वो शिक्षक के दिमाग में है। शिक्षक के यदि दिमाग में टीएलएम होगा तो फिर उसको जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ उसकी प्रकार है, उसको व्रत का व्रत के लिए उसको जरूरी नहीं है कि उसके पास में कोई विशेष प्रकार की प्रकार हो, त्रिज्या के लिए जरूरत नहीं है कि स्केल होना चाहिए, वो उसको सामने साइकिल देखेगी मोटरसाइकिल देखेगी कुछ भी देखेगा वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो मुख्य बात है शिक्षक के दिमाग में हो कि वो विद्यार्थी से किस प्रकार से निकल पाता है, रही बात ये। दूसरा कि उसके लिए आखिरकार वो जगह क्या हो। तो जब हम कहते हैं कि शिक्षा के लिए विद्यालय होना चाहिए, शिक्षा के लिए उसके लिए विशेष कालांश की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए विशेष पुस्तकों की व्यवस्था, ये संकीर्ण विचारधारा। जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो ये सारी बातें एक संकीर्ण दायरे में होती है, वरना तो बच्चे के लिए पूरी दुनिया शिक्षक है, पूरी दुनिया उसकी क्लासरूम है, पूरे समस्त जो जीव है जो समस्त उपादान है ये सब उसके लिए क्लासरूम है। नहीं तो यदि ऐसा ही होता तो सारे आविष्कार हमारे क्लासरूम में होने चाहिए थे। आप देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो नियम जो प्रतिपादित किया न्यूटन ने, यदि वो क्लास में होता तो क्या वो देख पाता कि पेड़ नीचे गिरा कि नहीं गिरा। यदि वो आर्किमिडीज अपनी क्लास से बंक करके और वो यदि तैरने नहीं जाता अपने तालाब में, और जब उसको बाहर भीमता का प्लवन का नियम जब नहीं मिलता उसको लगा मैं तो हल्का हो रहा हूं, और हल्का कितना हो रहा हूं, तो उसने बताया कि जितनी मात्रा में वो पानी फैलाता है उतना उसका वजन होता है, ऐसे करके उसने प्लावन का नियम सिद्धांत प्रतिरूप किया, और नंगा ही भाग गया यूरेका यूरेका मुझे तो मिल गया सिद्धांत। तो मेरा कहने का आशय यह है कि ये क्लासरूम ये विद्यालय ये शिक्षक ये किसी भी तरीके से पूर्ण नहीं कहे जा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें भूमिका निर्धारित करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो हमें एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। यदि हम सारे बच्चों को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो हर बच्चे का अपना सीखने की गति अलग होती है। जैसे कि अभी मेरी एक बहन ने कहा था कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। जब हम बात करते हैं कि भाई तू ये क्यों नहीं कर पाया, कोई बच्चा तो आर्टिफिशियल आर्टिस्ट होता है, कोई अच्छा बहुत अच्छा म्यूजिक हो जाता है म्यूजिशियन हो जाता है, कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में हो सकता है, कोई पायलट हो सकता है। तो कहने का आशय यह कि हम हमारे बच्चे को जैसे एक कहानी सुनने में आती है कि वो सारे जंगलों को इकट्ठा जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया गया और वहां पर जो भालू सबको सामने बैठाता है और कहता है कि देखो भाई सभी की परीक्षा होगी, अब ये जो पेड़ के ऊपर जो चढ़ जाएगा और जितनी जल्दी उतर के आ जाएगा वो फर्स्ट माना जाएगा। अब आप देखिए वहां पर भालू का बच्चा है, वहां पर हाथी का बच्चा है, वहां पर मछली का बच्चा है, सारे के सारे जानवर है। अब यदि हम सबके लिए एक ही परीक्षा लागू कर दें कि इस पेड़ के ऊपर जो चढ़ेगा और जल्दी उतर के आएगा वो फर्स्ट आएगा, तो हाथी का बच्चा इसमें कहाँ आ पाएगा, मछली का बच्चा इसमें कहाँ आ पाएगा। तो सारे के सारे चीजें अलग है, हाथी बच्चे की अपनी अलग क्षमता है, मछली के बच्चे की अपनी अलग क्षमता है। तो कहीं ना कहीं हमें इससे बाहर आना पड़ेगा, पर एक मुख्य दायरा कि हमें कुछ अभी वो कह रहा है जिस बच्चे ने कॉपी के अंदर जितना वमन कर दिया जितना वॉमिटिंग कर दिया जो कुछ याद किया वो सारा वॉमिट कर दिया, तो वो बच्चा हमारे हिसाब से 90% का है। और यदि उसने नहीं कहा तो नहीं है। एक मुझे पता है जब हम परीक्षक के रूप में कॉपी चेक कर रहे थे तो एक परीक्षक ने एक बच्चे को 0 नंबर दे रखा था, वो सोशल स्टडी का था,
उसमें उस बच्चे ने लिखा था कि वो रानी लक्ष्मी भाई वो अपने बच्चे को पेट से बांध करके जीवल से कूद गई और उसने जाके अंग्रेजों से लोहा लिया। उसने इस बात को लेकर के बच्चे को 0 नंबर दे दिया। कहता यार देखो बच्चा कितना बेवकूफ है, उसको यही नहीं पता कि बच्चे को पेट से बांधा कि पीठ से बांधा। तो मैंने भाई को बोला कि भाई वो उसने रानी लक्ष्मी बाई ने उस बच्चे को पेट से बांधा या पीठ से बांधा ये महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे को वहां दीवार पर छोड़ के तो नहीं आई ना, और लेकर के तो आई, उसके तो जो समझ में आया बच्चे के में मेरे लिए वो पर्याप्त है। तो हमें बिल्कुल रटे रटाए उत्तर पर। अभी आप देखिए कि जब अपन बच्चों की कहानी सुनाते हैं कि एक थर्स्टी क्रो था और एक कौवा था, प्यासा था, उसको मटका दिखा, अब मटका दिखने के बाद में फिर अपन कहानी सुनाते हैं, मुझे लगता है वो कहानी हमको पूरी ना सुना करके हम बच्चे से बात करें। एक कौवा था, वो प्यासा था और उसको मटका दिखा। अब कहानी अब आप बताइए बच्चों, उस कौवे ने क्या किया होगा? जब ये कहानी शुरू होती है तो बच्चे अपने अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहेगा कि वो घर जाएगा, पानी का पाइप लेकर के आएगा और पानी का वो पाइप डालेगा, उसमें निकाले। तो ये बच्चों के मौलिक उत्तर है, बजाय रटे रटाए उत्तर देने के कि वो कंकड़ डालेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर वो पानी पिएगा। ये ना करके हम कहीं ना कहीं उन बच्चों को ये मौका दें कि वो अपनी खुद की सोच डेवलप कर पाए, और जब बच्चा खुद की सोच डेवलप कर पाएगा तो ही मेरे हिसाब से अच्छी शिक्षा होगी। कई बार होता है ये कि शिक्षक कोई पहाड़ा लिख रहा है और पहाड़े लिखते लिखते अचानक एक बीच में पहाड़े की किसी संख्या को गलत कर देता है, जानबूझ के गलत कर देता है, और उसको बच्चा टोकता है कि गुरुजी आपने 7, 8, 58 लिख रखा है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा की सबसे अच्छी स्थिति है कि जिस दिन बच्चे को बच्चा गुरुजी को टोके कि गुरुजी ये नहीं ये सही है, तो मुझे लगता है कि बच्चे के अंदर इतना आत्मबल आ पाया। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि हम गुरु हैं, हम महान हैं, हम आखिरकार ये कैसे सहन कर सकते हैं कि बच्चा हमको टोके। हमें कहीं ना कहीं बच्चे को इतना रूम देना पड़ेगा, उतना स्पेस देना पड़ेगा कि बच्चा भी बता सके कि ये सही है या गलत। कई बार बच्चा अभी क्या हम समझते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ईश्वर की खोज क्यों बंद हो गई? ईश्वर की खोज ये बंद हुई शायद इसीलिए बंद हुई जब किसी ने पूछा बच्चे ने हाँ सर ईश्वर है, तो शिक्षक ने कह दिया हाँ ईश्वर है। और जब ये बच्चा क्लास के अंदर प्रश्न करता है कि क्या ईश्वर है, इस पर गुरुजी कहते हैं वाह देखो ये बच्चा कितना होशियार है, इसको आज तक यही नहीं पता कि ईश्वर है कि नहीं। मैं ये कहता हूँ और सारे बच्चे उस बच्चे के ऊपर हंसते हैं कि देखो कितना पागल है ये बच्चा, इसको यही नहीं पता कि ईश्वर है। मुझे लगता है कि यदि शिक्षक इतनी हिम्मत कर सके कि उस बच्चे को बोले कि भाई शिक्षक बेटे आज तक मुझे ईश्वर का अनुभव हो नहीं पाया, तू कोशिश कर और इधर मैं भी कोशिश करूं, जिसको ईश्वर का साक्षात्कार पहले हो जाए वो एक दूसरे को बता दे, मुझे यदि पहले हो गया तो मैं तुझे बता दूंगा और यदि तुझे पहले हो गया तो तू मुझे बता देना। कितनी बार हिरण्य कश्यप उसके पिता को ईश्वर का एहसास नहीं होता और पुत्र प्रहलाद को ईश्वर का एहसास हो जाता है। तो हम क्यों अपने आप को बड़े रहने देना चाहते हैं? यदि मैं पिता हूं तो मैं हो सकता है कि बच्चे को मुझसे पहले कोई समझ बन जाए, मैं यदि गुरु हूं तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है मेरे से पहले बच्चों को समझ बन जाए। हम ये क्यों निर्धारित करें कि नहीं बताने का जो ठेका है, बताने का जो जिम्मा है वो केवल मेरा ही है। इसी सोच के साथ में आज की जो हमने जो वार्ता है वो टीम के साथ में जो रखी उसमें यही रखा था कि वार्ताकार प्रमुख वार्ताकार केवल एक व्यक्ति नहीं होगा बल्कि सारे संभागी होंगे, क्योंकि सारे संभागियों का अपना एक अलग अनुभव है। तो इसी के साथ मैं ये चाहूंगा कि इसको विषय को थोड़ा और खोलते हैं हम। अब ये देखते हैं जब शिक्षा पर अपन ने थोड़ी थोड़ी समझ एक बनाई, अब जब शिक्षा ये है तो शिक्षण क्या हुआ? अच्छा सर थोड़ा सा मैं इसमें एक जोड़ना चाह रहा हूँ मुरलीधर कि इसमें कहीं कहीं जो अपन बात कर रहे हैं कई विचार भी आ रहे थे, साथियों कह रहे थे कि बच्चों को खुला छोड़ देना चाहिए, फ्री छोड़ देना चाहिए, बच्चा जो सीखे वो सीखने दे। लेकिन कहीं कहीं इसमें वांछनीयता भी छिपी हुई होती है कि बच्चा वो सीखे जो वांछनीय हो, क्योंकि बच्चा ऐसी चीजें भी सीख सकता है जो समाज उसको सही नहीं मानता हो, जैसे गाली निकालना सीख रहा है तो सीख तो रहा है लेकिन वो समाज के लिए वांछनीय नहीं है।
तो इसमें कहीं कहीं वांछनीयता छिपी हुई है, और वांछनीयता जहाँ आ जाती है वहां आप एकदम फ्री उस तरह से नहीं छोड़ सकते कि बच्चा जो करे वो करने दो। वो हमारा बहुत बारीक उस पर ध्यान रहे कि बच्चे की दिशा तो सही है ना सीखने की। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है मुरली जी, आपने जो बात कही सही कि हमें कहीं ना कहीं बच्चे को खुला भी छोड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं बांधना पड़ेगा। मुझे याद है जब एज ए टीचर मैं किसी जो पहले शनिवार की बाल सभा होती थी तो मैं उस कार्यक्रम का संयोजक था, तो जब मैंने बच्चों को बोला कि भाई कोई बच्चा आए कोई देशभक्ति का गीत सुनाए कोई सांस्कृतिक कोई गीत सुनाए तो एक भी बच्चा खड़ा नहीं हुआ। तो बड़ी मुश्किल से एक बच्चा खड़ा हुआ, कहता गुरु जी अच्छा। फिर मैंने थोड़ा लिबरलाइज किया, मैंने कहा किसी को कोई गाना भी आता हो ना फिर भी वो भी चलेगा। तो एक छठवीं क्लास का छोटा सा बच्चा आया, कहता गुरु जी मैं सुना दूंगा। तो उस जमाने में जब वो मोहरा पिक्चर हिट हुई थी तो उसने वो गाना सुनाया, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझे करके कुछ गाना था वो। अब जब ये गाना चल रहा था सारे जो टीचर थे मेरी तरफ खाने वाली दृष्टिकोण से देख रहे थे, क्या कृष्ण दादी। तो मैंने कहा प्लीज प्लीज थोड़ा उसको पूरा हो जाने दो, और जैसे तैसे उस गाने को पूरा किया, उस बच्चों को बैठाया। खैर उसके बाद में जब वो कार्यक्रम खत्म हुआ तो फिर सारे टीचर्स ने मेरे प्रिंसिपल से शिकायत करी कि साहब यदि यही बाल सभा तो कल आप बोला। तो गुरु प्रिंसिपल भी इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लिया, ये भी पता था कि यही करेंगे करने है, आपको कुछ कहना है। तब फिर मैंने उनको बताया कि बच्चे को ये आ रहा है कुछ करा सकता है, थोड़ी आवाज कम आ रही है सर आपकी, आवाज कट रही है सर। कमर है बच्चे को इसके थ्रू से हम इस बच्चे की कर सकते हैं कि आगे अच्छे भक्ति बोले आगे राष्ट्रभक्ति बोले जी। तो सर आपकी बात तो कालू राम जी और वीरेंद्र शर्मा जी ने हेड रेस कर रखा है काफी देर से। कालू राम जी, कालू राम जी, फिर वीरेंद्र शर्मा जी जयपुर से। हाँ नमस्कार साहब, कालू राम बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी कुत्ता पे बात चल रही है और मुरली जी ने एक प्रश्न किया था कि साइबर क्राइम में इतना क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल जो साइबर क्राइम कर रहे हैं बच्चे इंटेलिजेंसी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ब्रांडेड है और टेक्नोलॉजी के अंदर इतने एक्सपर्ट है कि आज वो क्राइम में फंस रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा के अंदर संस्कारों की कमी रही है, और कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के अंदर जो उनके माता पिता या परिवार है तो उनका जीवन कैसा है, वो कैसे रहे, एकल परिवार है या उनको जो पालने वाले मतलब कि माँ बाप उनको पालने के लिए ज्यादा ध्यान नहीं देकर पा रहे हैं, और उसका आसपास का परिवेश क्या है बच्चे का, और साथ ही साथ मतलब कि सकारात्मक जो पारिवारिक परिवेश की कमी है उसकी, जिसके कारण क्योंकि जैसा वो परिवार में होता है या आसपास परिवेश में होता है वो चीजें सीखता है, और कहीं ना कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है और हमारी सरकार भी जिम्मेदार है, और हम विद्यालय में जो शिक्षक है तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी की आजकल, क्योंकि ज्यादातर शिक्षा हम संस्कारों की संस्कृति की इन चीजों पर ध्यान कम देके, पढ़ाई का रिजल्ट चाहिए अपने को, आंकड़े चाहिए उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एक समय था जब नैतिक शिक्षा पे कैंपों पे मतलब कि हम हमारे संस्कारों को और हमारी संस्कृति को समझने का मौका मिलता था, आज विद्यालयों के अंदर से नैतिक शिक्षा की किताबें बिल्कुल हट सी गई है और जो फॉर्मेलिटी सी रह गई है। साथ ही साथ ये क्योंकि ये बचपन में जैसे संस्कार मिलते हैं और हमारे शिक्षकों के द्वारा या परिवार के द्वारा समय पर बच्चों पर ध्यान नहीं देने के कारण उनको गलत शौक लग जाते हैं, और उन गलत शौकों और आदतों की पूर्ति के लिए उनका मतलब की पूर्ति के लिए पैसा अर्जन करने के लिए वो कहीं ना कहीं गलत रास्तों पे जाते हैं। इसके अलावा जो भी इंटेलिजेंट समाज के अंदर बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं अवसरों की असमानता के कारण भी, यानी कि कई बार बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो उनको
मतलब कि सफलता नहीं मिल पाती क्योंकि वो अच्छा लिखते हैं, अच्छा करते हैं, फिर भी उनसे अच्छा मतलब किसी पोस्ट को या किसी पद को डिजर्व करते हैं, लेकिन उनसे कम रैंक वाला या कम अनुभव वाला या कम मार्क्स वाला वो पोस्ट ले जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उस फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहता है कि वो गलत राह पे चले जाता है। और इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है, परिवार की, समाज की, सरकार की, कि ऐसी नीतियां बने, ऐसे मतलब कि परिवार में बच्चों पे, छोटे बच्चों पे ध्यान दिया जाए और उनको संस्कार दिए जाए, अच्छी बातें बताई जाए और परिवार का, परिवेश का माहौल सकारात्मक रखें, आध्यात्मिक रखें और अच्छी चीजों पर ज्यादा जोर दिया जाए, जिससे वो बच्चा आगे जाकर अच्छे कार्य करे, राष्ट्र के लिए अच्छे काम करे, ऐसा काम नहीं करे जिससे उसके माता पिता को वो मतलब की लज्जित होना पड़े या शर्मिंदा होना पड़े। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी धन्यवाद कालू राम जी, आपने एक तो टॉपिक उठाया था कि नैतिक शिक्षा का एक पीरियड अलग से होना चाहिए। मेरे कुछ साथी जो पुराने लोग हैं वो शायद जानते होंगे इस बात को कि हमारे समय में एक नैतिक शिक्षा का भी पीरियड होता था अलग से, और हुआ उस पीरियड का ये कि जब जब भी वो पीरियड होता था तो उसको खाली पीरियड समझ करके शिक्षक नहीं जाते थे या फिर बच्चे उस क्लास को अटेंड नहीं करते थे, उनको लगता था कि ये तो खाली पीरियड है। फिर सरकार ने ये महसूस किया कि नैतिक शिक्षा इसको हम किसी एक विषय के रूप में नहीं दे सकते, बल्कि हर विषय में नैतिक शिक्षा कहीं ना कहीं छुपी हुई है। भाषा के अंदर, चाहे तो हिंदी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे अंग्रेजी भाषा हो, हर एक के अंदर सुभाषितानी के रूप में, श्लोक के रूप में, रहीमदास कविता जी के दोहे के रूप में, अंग्रेजी की शेक्सपियर की कई सारी कविताओं के रूप में वो कहीं ना कहीं छुपी रहती है, और उसको शिक्षक का दायित्व है कि उसके अंदर छिपे हुए नैतिक मूल्यों को बच्चों तक लेकर के आए। बल्कि गणित के अंदर भी मेरे भाई महेंद्र गुप्ता जी बैठे हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे तीलियों के प्रयोग किए हुए कि तीलियों के माध्यम से कितनी आकृतियां बन सकती हैं, तीलियों के माध्यम से गणित का शिक्षण कैसे कराया जाता है। संधान जो कभी एक समय ट्रेनिंग का पर्याय हुआ करता था, उस समय से ये ट्रेनिंग देते हुए आए, तो इनको जो गणित के माध्यम से कैसे नैतिक शिक्षा दी जा सकती है, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से कैसे नैतिक शिक्षा दी जा सकती है, ये सब एक दूसरे से छुपे हुए थे, मिले हुए विषय थे। पर अब जरूरत शायद इतना नहीं है कि हम उसको एक अलग विषय के रूप में, बल्कि शिक्षक उसको यदि ग्राउंड में एक केले का छिलका पड़ा है, बजाय किसी बच्चे को ये ज्ञान देने का कि हमें यदि रास्ते में कोई चीज पड़ी हुई है उसको फेंकना है, एक शिक्षक सारे भरे हुए स्कूल के अंदर उस केले के छिलके को उठा करके यदि डस्टबिन में डाल देता है, मुझे लगता है इससे बढ़िया नैतिक शिक्षा का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। तो कालूराम जी आपने बहुत बढ़िया बात करी और इस विषय को भी उठाया आपने कि वाकई नैतिक शिक्षा की जरूरत है, यही कारण है कि आज हमारे पढ़े लिखे हुए लोग, और एक चीज और अभी बताया कि अपने इंटेलिजेंट लोग ऐसा कर लेते हैं, दरअसल मेरे हिसाब से कोई एक व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है, कोई यदि इंटेलिजेंट होगा तो गणित में हो सकता है इंटेलिजेंट, हो सकता है विज्ञान में हो सकता है हिंदी में हो, यदि गणित में हो तो हो सकता है वो प्रतिशत निकालने में वो इंटेलिजेंट हो, एक एक नियम निकालने में ना हो, तो हर बच्चे का इंटेलिजेंसी का लेवल अलग अलग फील्ड में अलग अलग होता है, और मेरे हिसाब से कमजोर तो कोई बच्चा नहीं होता, बस उसका सीखने का जो तरीका है वो जुदा होता है, वो थोड़ा सा लर्निंग की जो स्पीड है वो थोड़ा अलग होती है, वरना होशियार और कमजोर वाली स्थिति नहीं होती है। अभी हमारे बीच में मनीष जी वर्मा जो कि अलवर से है और वो भी आए हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ मनीष जी आप भी, क्योंकि बहुत स्टेट के आरपी के रूप में लीडरशिप में इन्होंने काफी काम किया हुआ है, और मैं चाहूंगा एक बार आप भी थोड़ा सा यदि विषय से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा मदद करें बाकी सारे साथियों की। मनीष जी धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद सर बहुत बहुत, और एक सार्थक मीटिंग जो है वो निश्चित रूप से हो रही है, और जिस विषय पर जो बात आपने की है उसके लिए धन्यवाद सर। मैं थोड़ा सा वैक्सीनेशन के लिए गया था तो आते ही नहा धोकर और मैं जुड़ गया हूँ। कोरोना के इस काल में सर हम जिस चीज को हम देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं, महसूस जो कर रहे हैं कि हम लिटरेट तो हाईली लिटरेट हैं हम सभी, लेकिन सामान्य रूप से जो सामाजिक सरोकारिक नॉलेज के प्रति होता है और जो संदर्भित ज्ञान होता है उसका हमको अभाव दिखता है। जैसे खूब अच्छे से एजुकेटेड आदमी है वो संविधान के बारे में जानता है, लेकिन वो जब हेलमेट
यूज करता है तो जैसे ही चौराया आता है या रेड लाइट आती है तो वो हेलमेट लगा लेता है और उस चौराहे के बाद वो हेलमेट जो है वो उतार देता है। तो अब वो जो जीवन में उस हेलमेट के प्रति और जो सिस्टम जो नियमावली बनी है वो इसलिए अपना रहा है कि पुलिस से बचना है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि दुर्घटना से बचना है। यही सेम परिस्थिति हम मास्क के बारे में देख रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये थोड़ी एक नॉलेज की एक पीढ़ी आगे आती गई और आगे चलकर वो जब इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात आई, जैसे घर में जब जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में बात हो रही है तो हम सामाजिक विज्ञान पढ़ा देंगे, लेकिन खुद के ही घर में खुद के ही पत्नी या बहन के साथ जब जेंडर सेंसिटिविटी की बात होती है तो हमारा व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। तो आप जो बात कह रहे थे कि जैसे नैतिक शिक्षा की बात है, तो जब तक वो व्यवहारगत परिवर्तन जो हम शिक्षा के उद्देश्य में समझते आ रहे थे कि वो व्यवहारगत परिवर्तन आना चाहिए, जब तक उसके मूल में नहीं जाएंगे तो एक शिक्षक के रूप में मेरी एक व्यथा रहती कि नॉलेज की सामाजिक रूप से डिमांड नहीं रही और सामाजिक रूप से पूर्ति नहीं रही। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देकर जब मैं बताता हूं और फिर आप उसको कंटिन्यू हमने करना, एक हमारे परिचित हैं तो उनका बच्चा जो है वो टेंथ में आया है, मतलब टेंथ का एग्जाम दिया है। तो एक पीड़ा ये रही कि हमारा बच्चा हिंदी को और सामाजिक विज्ञान को पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि दिमाग में ये बैठ गई बात कि ये IIT में नहीं आएंगे, ना हिंदी को पढ़ना चाहता है और ना सामाजिक विज्ञान को पढ़ना चाहता है। और कई माता पिता ऐसे हैं कि अपने बच्चे के दिमाग में बच्चे संवेदनशीलता विकसित नहीं हुई तो कहां से होगी, बच्चे में सामाजिक सरोकारों का अभाव रहा। तो ये सब चीजें क्यूमुलेटिव है, मतलब एक बात को कह के समाप्त करता हूँ। मैं अभी उसको पढ़ रहा था NCF को और इन चीजों को और जो निष्ठा में जो चीजें आई इसको पढ़ रहा था और लर्निंग आउटकम के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें बड़ी मजेदार चीज एक बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण चीज आई कि लर्निंग स्पाइरल जैसे स्प्रिंग आगे की तरफ चाहिए, उन्हीं चीजों को बार बार इम्प्लीमेंट करते हो आगे, लेकिन हमारा पूरा सिस्टम समाज उसमें कहीं ना कहीं लर्निंग और एग्जामिनेशन और इन सब चीजों को अलग अलग कर दिया है, जीवन से जोड़ के नहीं रखा। जैसे कृष्ण अवतार जी के जो एक विधि है, जैसे किसी भी चीज को बड़े बड़े मुद्दों को वो जीवन के सरोकारों से जोड़कर चीजों को बताते हैं, तो वो चीजें लंबे समय तक मुझे आज भी याद है कि आपने जो चीजें हमको SRG की ट्रेनिंग में बताई थी वो बात वही थी जो हमको पुस्तक कह रही थी, बात वही थी, लेकिन वो हम तक कैसे पहुंची क्योंकि हमको जीवन के सरोकारों से जोड़ते हुए और हमसे जुड़ते हुए चीजों को पहुंचाया गया। तो शिक्षण विधि पर एक छोटी सी कहानी आती है कि एक मालिक ने कुत्ता पाला हुआ था, तो कुत्ता बीमार हो गया, वो दवाई लेकर आता मालिक, और उस दवाई को क्या करता कि कुत्ते को अपने पैरों के नीचे तो सिर को दबाता और जबरदस्ती मुंह खोलता और दवाई को पिलाता। जो कुत्ता अपने मालिक को देखकर बड़ा खुश होता, थोड़े दिनों में वो उस पर भौंकने लगा, उसको देखकर भागने लगा और कुछ दिनों में काटने लगा। मालिक के पूरे दिन भर ये टेंशन होती है कि यार शाम को घर जाना है और उसको दवाई पिलानी है। कुत्ता मालिक से नफरत करने लगा। एक दिन शाम को मालिक आता है, कुत्ता झपट्टा मारता है, दवाई की शीशी टूट जाती है जमीन पर, बिखर जाती है। मालिक अंदर से पौधा लेकर आता है तो बाहर आकर देखता क्या है कि कुत्ता दवाई को चाट रहा था, जमीन से उस दवाई को चाट रहा था। यानी इतने दिनों की मशक्कत जो उस मालिक के प्रति थी कि इस कुत्ते को दवाई हमको पिलानी है और जबरदस्ती पिलानी है, जबकि वो दवाई पीना चाहता, उसको दिक्कत थी उस तरीके से। तो वो शिक्षण विधि का जो टॉपिक शिक्षण
जैसे कि पंचर लगाना तो हर कोई पंचर लगा नहीं सकता, जैसे कि कलेक्टर साहब है उनसे कहें कि पंचर लगा दीजिए तो क्या वो पंचर लगा देंगे, या बैंक साहब इंजेक्शन लगाना है आप वैक्सीनेशन का चेक मैं सारा एक इंजेक्शन लगा दीजिए, तो तीसरी क्लास को हर कोई कैसे पढ़ा सकता है या पहली क्लास को हर कोई कैसे पढ़ा सकता है। ये भी भाई यूँ कहते हैं कि बच्चे को तो पढ़ाना है, ये इतना सामान्य बात नहीं है कि बच्चे को ही तो पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाना है ये बड़ा महत्वपूर्ण काम। तो जब एक सामान्य से पंचर नहीं लगा सकते आप तो एक पहली क्लास के बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं। तो हमारे टोटल सोसाइटी में एक धारणा ये बन गई, अरे बच्चे को पढ़ाना है कैसे भी पढ़ा लो, जैसे मन में आए वैसे पढ़ा लो, एबीसीडी तो लिखा नहीं है लिखवा दो। और टीचर किस लिए वैल्यू हो गई, सबसे पहले कभी ये वर्ड लिया गया था गुरु और कभी लिया मास्टर, मास्टर यानी कि पारंगत, लेकिन क्या हम पारंगत रहे हैं, शायद नहीं। मास्टर्स आर नॉट मास्टर्स, वी हैव टू कंसीडर इन टू द और ये एक अच्छी पहल है कि आपने इसको ये मुहिम को आरंभ किया और ये होना चाहिए सर, ये विमर्श होने चाहिए, हर जिले में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो केवल शिक्षकों के लिए और एक फाइव स्टार होटल जैसी हो। मनीष जी बहुत 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 धन्यवाद, और आप काफी जुझारू मास्टर ट्रेनर के रूप में रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपके अंदर जो आपको जब दिल को स्वीकार नहीं होती तो आप उसको शरीर से भी स्वीकार नहीं करते, आपके चेहरे पर एकदम दिख जाता है कि ये बिल्कुल इस विषय से संतुष्ट नहीं है और आप उसको अंदर नहीं रखते, बाकी कह भी देते हैं। आपने ये जो विषय हमारा चल रहा है शिक्षण और विद्यार्थी की समझ, इस ओर आपने हमें एक इशारा कर दिया कि जब तक हम अपने शिक्षण को अपने व्यवहार के साथ नहीं जोड़ेंगे तो विद्यार्थी की समझ नहीं बन सकती। अभी जैसे महेंद्र जी का हाथ खड़ा हुआ है और महेंद्र जी अभी बोलने वाले हैं, मैं महेंद्र जी को थोड़ा सा एक इशारा इस तरफ भी करना चाहूंगा कि महेंद्र जी जो बात बोलेंगे वो तो है ही, लेकिन साथ में ये भी कि जब बच्चे को एक एक नियम बताए जाते हैं कि सात पेन है, कुछ एक बच्चे एक एक पेन की कीमत 7 रुपए है और उस कक्षा में 8 विद्यार्थी हैं तो कुल कितने रुपए के पेन उस कक्षा के विद्यार्थियों को देने पड़ेंगे। अब मैंने ये देखा है कि अच्छे अक्सर जो बच्चे हैं वो ये पूछते हैं कि सर ये बताओ 7 का 8 में गुणा करना है या भाग करना है या जोड़ करना है या माइनस करना है, वो ये पूछते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस विषय को चाहे गणित हो चाहे सामाजिक विज्ञान हो चाहे हिंदी हो या कोई भी हो उसको उसके व्यवहार से जोड़ा नहीं। तो मैं अपने जो महेंद्र गुप्ता जी हैं और ये डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग्स भी रहे हैं और कई सारी जो लीडर क्या नाम है संधान की जो ट्रेनिंग्स है उसमें इन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ अपना शुरुआत करी थी, बल्कि हम आज से 25 साल पहले लोक जुम्मी और शिक्षा कर्मी की जो ट्रेनिंग होती थी तब से इन्होंने शिक्षण को समझाए ट्रेनिंग को समझाए। तो महेंद्र गुप्ता जी मैं आपको पूरा स्वतंत्र छोड़ता हूँ कि आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं। श्री महेंद्र जी गुप्ता। धन्यवाद कृष्ण अवतार जी, जैसा कि अपने बात शुरू हुई थी शिक्षा की और फिर ये आगे चल पड़ी शिक्षण की ओर, और मैं देख रहा हूँ कि हम सब शिक्षा के वैल्यूज की बात करते हैं मगर जब सीमित होकर ये क्लासरूम तक आ जाती है तो ये गैप क्या रह जाता है, और इसकी वजह से जो हमें शिक्षा के उद्देश्यों की जो प्राप्ति नहीं हो पाती उस ओर मैं थोड़ा सा ध्यान आप सबका आकृष्ट करना चाहूंगा। देखिये जैसा हमारे शिक्षाविद हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्यक्रम निर्धारित भी करते हैं तो वे शिक्षा के जो समग्र मूल्यों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारण करते हैं, चाहे ये प्रारंभिक शुरुआत के तौर पर शिक्षा की नीति बनी हो, चाहे 86 की बनी हो या NCF आया हो या अभी की नई शिक्षा नीति जो आई है वो भी आई हो, हर एक नीति निर्धारक जब हमारे यहाँ करिकुलम का पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है, पाठ्यक्रम के बाद पाठ्य पुस्तक बनती है और पाठ्य पुस्तक लेकर शिक्षक कक्षा में जब जाता है तो वो सारे कहाँ कहाँ गैप हो जाते हैं। आप ये देखिए शिक्षा के मायने सबके लिए अलग अलग हो जाते हैं। एक अभिभावक है, समाज है, उसके लिए शिक्षा के मायने हैं कि बच्चा बन क्या गया, वो सफल क्या हो गया, वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, इसका मतलब इसकी शिक्षा बढ़िया हो गई।
अगर वो कुछ नहीं बना, वो बहुत अच्छा कर भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर जॉब नहीं मिली तो इसका मतलब इसकी शिक्षा बढ़िया नहीं। एक संस्था प्रधान अगर देखेगा तो वो देखता है कि रिजल्ट हमारे टीचर्स का बढ़िया गया, इसका मतलब शिक्षा अच्छी हो गई। विभाग की हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखने वाले अधिकारी आते हैं तो वो अपने शिक्षा के मायने का हमारे जो मुद्दे हैं वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं या नहीं। आपको ध्यान होगा अगर रोड सेफ्टी का चलेगा तो हर व्यक्ति कहेगा यातायात की बात इसमें शामिल हो जानी चाहिए। चिकित्सा वाला कहेगा तो वो देखेगा कि ये चीज आई तो शिक्षा पूरी मानी जाएगी। तो हरेक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग उनका दृष्टिकोण है, वो उसको लेकर चल रहे हैं। मगर अंतोत्गत्वा हम देखते हैं कि सारा दारोमदार ये है शिक्षक के ऊपर। शिक्षक के पास केवल उसकी पाठ्य पुस्तक है, उसका टारगेट रहता है कि जो मैं पाठ पढ़ा रहा हूं उसमें विद्यार्थी कैसे बेहतर अंक प्राप्त करे। अगर उसको शिक्षक के ध्यान में क्या ये चीज है, जैसा अभी आप छोटे छोटे उदाहरण दे रहे थे बहुत सारे जिनमें चिंतन की बात थी, बच्चों को आनंद की बात थी, तो क्या शिक्षक जब अपना पाठ तैयार करके ले जा रहा है, क्या वो इनको देख रहा है कि मैं इस पाठ को पढ़ाने के साथ साथ कौन से वैल्यूज डेवलप करूंगा, कौन कौन से मूल्यों को मैं लाऊंगा जिससे बच्चे के अंदर इन गुणों का विकास हो सके। केवल प्रश्न का उत्तर देना ही नहीं है वो इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अभी बात कर रहे थे कि छोटे छोटे उदाहरणों की, तो क्या जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वह बच्चे के समझ में आती है या नहीं आती है। आनंद की चीज है, बच्चा कोई गतिविधि करता है या नहीं करता है। हम कई बार इस बात का चिंतन भी करते हैं कि बहुत से प्रशिक्षणों में जब हम बात करते हैं तो हम गतिविधियों की बात करते हैं कि गतिविधि कराएंगे और उससे गतिविधि से चिंतन होगा, बच्चे आनंद भी लेंगे और आनंद के साथ सीखेंगे भी। मगर हम सब इस बात से परिचित हैं कि क्लासरूम की हमारी सिचुएशन क्या है, क्या कक्षा कक्ष में जाते ही वो हमारी गतिविधियां क्यों गौण हो जाती है, क्यों हम वो गतिविधि नहीं करा पाते, क्या हमें इस बात का डर है कि बच्चे इससे समय खराब होगा, क्या शिक्षक ये देखता है कि क्या मेरा उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा, क्या शिक्षक पर यह दबाव है कि मेरा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। कहीं ना कहीं बहुत गैप है जिसके ऊपर अभी भी चिंतन करने की आवश्यकता रहती है। दूसरी बात यह है कि कक्षा कक्ष में जो शिक्षक जा रहा है वह जो हम कहते हैं, जैसा भी आपने कहा कि TLM की बात है, TLM उसके चारों तरफ बिखरी हुई है, बस उसके एक सृजनात्मक चिंतन की सोच की आवश्यकता है। कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है कि वो कोई बाजार से रेडीमेड TLM लाएगा जब ही वो अपने शिक्षण कार्य को कर सकेगा। TLM तो वो जहां देखेगा उसे दिख जाएगी, बस एक उसका सोच क्या होता है, वो उसकी तैयारी है, मगर शिक्षक इस दृष्टि से तैयार होकर क्या गया है क्लासरूम में, आज मैं ये जब पढ़ा के आ रहा हूँ तो क्या ये बच्चों को क्या क्या मेरा आनंद आना चाहिए। मैं अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, अभी हमारे अधिकारी थे तो उनके बच्चों को एक LCM की प्रॉब्लम आ रही थी कि लघुतम समापवर्तक में महत्तम समापवर्तक में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना। तो बात मैंने उनसे की आप कैसे बताते, तो उन्होंने बताया कि जो भी प्रोसीजर हमारा होता है लघुतम समापवर्तक का, वो डिवाइड करने का संख्याओं से, वो हम करके बताते हैं। उनका क्या बच्चा ये समझता है कि अपवर्तक क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है, लघुतम समापवर्तक क्या होता है। अगर उसे अवधारणा ही पता नहीं है तो फिर बच्चा केवल मैकेनिकल वे में तरीकों को करता है, और यदि उसका मैकेनिकल तरीके में कोई गलती हो गई तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो गणित हम पढ़ा रहे हैं तो गणित पढ़ाते समय उसके जीवन से जुड़ने की, अब ऐसा नहीं है कि कोई हमारा पाठ्यक्रम यह नहीं कहता, हमारा पाठ्यक्रम NCERT की अगर किताबें देखें, NCF देखें, इन सब में इन बात का बहुत स्पष्ट उल्लेख होता है कि जब भी शिक्षक पढ़ाएगा वह अपने दैनिक जीवन से उन उदाहरणों को जोड़ेगा, वहां से वो चीजें बच्चों के साथ कराएगा और फार्मूले वगैरह तो तरीके जिससे सवाल को कैसे फास्ट कर सकते हैं, ये चीज सबसे बाद में आती है। मगर वो बच्चा समझे तो सही कि ये चीज मैं कर क्या रहा हूँ। अब जब बच्चे इन चीज समझ नहीं पाते कि मैं कर क्यों रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है, तो उसको फिर इन चीजों से वो थोड़ा थोड़ा दूर क्लास से होने लगता है, और जो आगे में बैठा बच्चा पीछे धीरे 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 वो पीछे की क्लास में होता है। और गणित जैसे विषय की तो अगर आप बात करें तो वो सोचता है कब मेरा पिंड छूटे, कब मैं क्लासरूम को छोड़ के या स्कूल को छोड़ के या सब्जेक्ट को छोड़ के कब भाग जाऊं। बहुत से लोग डरे रहते हैं, चाहे वो गणित हो, अंग्रेजी हो, ये सब विषय की बात होती है। तो हम अगर इस बात को देखें कि बच्चे की जो टीचर जब पढ़ा रहा है, शिक्षण करा रहा है, तो हर उसके ध्यान में एक चीज है, हर बच्चा सीख सकता है, जिसकी हम बार बार कहते हैं। केवल आगे के कुछ बच्चे
हम यहाँ कर दे या जवाब दे दे या मुंडी ला दे, उसी से सब नहीं होता। शिक्षा का कार्य प्रत्येक बच्चा सीखे, उसके लिए उसके पास क्या तरीके हो सकते हैं ये उसको स्वयं विचार करना होगा कि मैं कौन कौन से तरीके इस्तेमाल लू करूं जिससे मेरी क्लास में बच्चा सीखे आसान तरीके से सीखे। दूसरा, क्या क्या मैं मटेरियल मैं डेवलप कर सकता हूँ, क्या क्या सामग्री का मैं काम में लूं जिससे मेरे बच्चे बहुत आसान तरीके से सीखे, परफेक्ट तरीके से ये चीजों को सीखे। और अब तीसरी चीज है कि उसको दैनिक जीवन से जोड़कर जरूर बताएं ताकि वो जब भी जीवन में देखे, अपने घर में देखे, बाहर देखे, स्कूल के बाहर देखे, तो वह अपने आप जोड़ पाए कि अच्छा ये चीज तो ऐसे कैलकुलेशन करनी है, इस तरीके से कार्य को करना है, तो वह बच्चा देगा पढ़ाई को। और निश्चित रूप से आनंद शिक्षक को भी आएगा और बच्चे को भी आएगा। और मैं देखता हूँ बहुत सी चीजें जो भी गतिविधि क्लासरूम में की जाती है, आप ये निश्चित मानिए बच्चे हमेशा अनुकरण करते हैं, वो उन गतिविधियों को अपने साथियों के साथ, वो अपने घर पे कोई एक्टिविटीज को करते हैं। मगर जब टीचिंग केवल वन वे होती है, बोर्ड के ऊपर ही होती है, एक तरफा होती है, तो उस टीचिंग का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। आधे बच्चे इधर उधर क्लास में देखते रहते हैं और वो देखते हैं कि इनका टीचर का कालांश कब खत्म हो और मुझे इनसे मुक्ति मिले। फिर कोई दूसरा टीचर आएगा, वो अपनी अपना ज्ञान ढूंढ जाएगा, फिर तीसरा आएगा और बच्चे अपना समय गुजारते रहते हैं। तो जो हमारी ये अपेक्षा रहती है, उद्देश्य रहता है कि हर क्लास का हर बच्चा बहुत अच्छा सीखेगा, तो इस वजह से नहीं हो पाता। तो शायद हम सब इस चीज का प्रयास अगर करें कि केवल कोर्स को पूरा कराना ही नहीं है, मगर जो चीज करा रहे हैं उसको हम बेहतर ढंग से कैसे कराएं, तब जाकर हमको हमारे उद्देश्य की प्राप्ति बात। जी महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिक्षा के अंतर्गत काफी सारे पहलुओं को छुआ और वाकई जब तक शिक्षण को हम उसके व्यावहारिक ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो शिक्षा हमारे या बच्चों के दिमाग में नहीं बैठेगी। अभी मैं एक चित्र आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि ये कक्षा है, ये देख पा रहे होंगे, उस कक्षा के अंदर एक शिक्षक गणित का शिक्षण करके गए और शिक्षण करने के बाद में फिर दूसरे पीरियड में मैं पहुंचा, तो मैंने जब बच्चों से बच्चों की वृत्त की परिधि के बारे में, त्रिज्या के बारे में, व्यास के बारे में बात करी तो उनको समझ नहीं आया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने एक बच्ची से बोला अपनी साइकिल लेकर के आओ, तो बच्ची क्लास में अपनी साइकिल ले आई है। और साइकिल लाने के बाद फिर मैंने पूछा कि इसमें तान कहाँ है, कि तान ये रही, तो ये तान क्या आपस में अलग अलग लंबाई की है, उन्होंने कहा नहीं सब एक लंबाई की है, तो फिर ये त्रिज्या है। अच्छा ये टायर कहाँ है, कि टायर ये है, तो ये परिधि है। अच्छा फिर व्यास क्या होता है, तो दो तानों को मिलाकर के जो दूरी बनती है वो व्यास बन जाती है। जब इस तरीके से उनके साथ बात करी गई तो बच्चों को एक दिमाग में अच्छे से समझ में आ गई कि आखिरकार व्रत क्या है। तो जब तक ये अपन काम नहीं करेंगे तब तक हमारा ये बच्चों का भला नहीं हो पाएगा। और फिर अभी महेंद्र जी ने बात करी थी, होता क्या है कि आगे के दो चार बच्चे उत्तर देते रहते हैं और हम कहते हैं कि हाँ मेरी पूरी क्लास समझ में आ गई। दुष्यंत जी ने इसी पर कहा है कि कोठियों से मुल्क की मैयार को मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। तो असली जो हिंदुस्तान है, असली जो हमारी कक्षा है, वो फुटपाथ पर, यानी वो पीछे बैठने वाली जो कक्षा है ना, जो बच्चे डर के मारे पीछे बैठते हैं कि कहीं हमसे ना पूछ ले, असली मेरी कक्षा वो है। वो कक्षा नहीं है कि सामने जो कोठियों वाली है जो आपको उत्तर दे रहे हैं यस सर यस सर यस सर, तो हम समझ लेते हैं कि पूरी क्लास को समझ में आ गया। तो खैर पूरी करते हुए कि वास्तव में शिक्षा की समझ जब तक हमारे को नहीं आएगी कि कहते हैं एजुकेशन जो शब्द है वो अंग्रेजी के एजु प्लस क्वांटम दो शब्दों से मिलकर बना है। एजु मतलब अंदर की चीजों को, क्वांटम मतलब बाहर निकालना। तो एजुकेशन इज नॉट टू पुट इन बट टू ब्रिंग आउट, उस बच्चे का जो बेस्ट से बेस्ट है वो बच्चे का अपन बाहर निकालेंगे, वो हमारी एजुकेशन होगी, न कि हमने तो तमाम सारी सूचना है उसको भर देंगे। जी भंवर जी वेलकम सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी विद्वान साथियों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं,
देते हुए मैं आप सबको प्रणाम करना चाहूंगा। और मुझे मॉडल स्कूल सेल में रहते हुए और SIQE के स्टेट MT रहते हुए गुप्ता जी और कृष्ण अवतार जी का सानिध्य मिल चुका है पहले से। आज आपसे जुड़कर के बहुत अच्छी खुशी हो रही है और आपने ये एक प्लेटफॉर्म हमें दिया है इस कोरोना काल में। इस तरह का जो शैक्षिक चिंतन और मनन हो रहा है, ये निसंदेह विभाग के लिए और हमारे साथियों में नई ऊर्जा का संचार करेगा। मैं अपनी बात को शुरू करूंगा सर सिविल सर्विसेज के एक पेपर से, जो 2014 में एथिक्स नाम से एक पेपर प्रारंभ किया गया मसूरी अकादमी से और तमाम जगहों से। ये UPSC के पास सुझाव आए थे कि हम जो कैंडिडेट चुन रहे हैं IAS के रूप में, देश की सर्वोच्च सेवाओं के लिए हम जो कैंडिडेट चुन रहे हैं, कहीं ना कहीं जीवन मूल्यों का उनमें अभाव नजर आ रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट इसमें जोड़ा जाए। तो इस बात की हम अगर तुलना हमारे एजुकेशन सिस्टम से करें तो मैं समझता हूं सर कि हमारी जो अभी खूब सारे हमारे साथियों ने बहुत सारी बहुत शानदार बातें बताई थी, जैसे वो कुत्ते का उदाहरण देकर के सर ने बताया था कि कुत्ता दवाई लेना चाह रहा था लेकिन दवाई देने का तरीका नहीं आ रहा था। मैं बड़ी एक एक चीज को ध्यान से सुन रहा हूं और नोट भी कर रहा हूं क्योंकि आदमी को जीवन भर सीखते रहना चाहिए। और जब शिक्षक सीखना बंद कर देता है तो मैं समझता हूं कि वो शिक्षक कहलाने के योग्य नहीं होता है। और बड़ी विडंबना यह है सर कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुतायत उन लोगों की है जो सीखना बंद कर दिए हैं। और आसपास में मैं ये भी देखता हूं जैसे कि नौकरी शिक्षक की तो जैसे कोई हमारे दहेज में आई है और साइड में जॉब करना हमारा मुख्य काम हो गया है। मैं आमतौर पर नागौर का रहने वाला हूं और नागौर में ही सर्विस कर रहा हूं और 3-4 बाहर के जिलों में भी मैंने काम किया। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जैसे अजमेर में हुई, तो मैं अब कभी पीछे घूम के लौट के देखता हूं तो मैं समझता हूं कि यार मैं अजमेर नहीं छोड़ता तो ठीक था। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब मैं अजमेर में बैठता था अपने साथियों के साथ में तो हमारे इंटरवल में हमारी चर्चाएं हुआ करती थी सब्जेक्ट को लेकर के, बच्चों को पढ़ाने के तरीकों को लेकर के। और जब मैं ट्रांसफर होकर के नागौर में आ गया तो हमारी चर्चाएं होती है थारे मूंग किता होया, थारे गाय भैंसा कितनी है, थारे रुपया कितना है, ब्याजना कितना देवे, मतलब मैं आपको एक प्रैक्टिकली वे में बात बता रहा हूँ। तो कुएं भांग पड़ी हुई है। एक दिन मैं मेरे प्राथमिक सेक्शन में चेक करने के लिए जाता हूँ, 2 विंग में स्कूल चलती है और 5वीं के बच्चों की क्लास थी, उसमें 4थी के बच्चे भी शामिल थे, 3री के बच्चे भी शामिल थे। तो मैंने 5वीं के बच्चे से एक पूछा कि बेटा ये क्या लिखा हुआ है, श्याम पट पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे एक शब्द लिख एक वाक्य लिखा हुआ था कि मोर नाच रहा है। तो मैंने कहा ये क्या है बेटा, तो वो बच्चा बोल नहीं पाया। फिर मैंने कहा आपको ककर आता है कि हाँ ककरा तो मुझे आता है, तो फिर ये मैं मछली का कहाँ है, तो वो एकदम खड़ा होकर के मोर के पास में आकर के उसने हाथ लगाया कि ये रहा। मैंने कहा अब इसमें मात्रा कौन सी लगी हुई है, तो वो बच्चा बोला इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है। फिर वो बच्चा बोलता है कि ये तो मो हो गया। मैंने कहा अच्छा इसके आगे क्या लिखा है कि ये रे है। मैंने कहा दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है कि ये तो मोर बनता है। फिर मैंने उसके थोड़ा हौसला अफजाई की, मैंने कहा अरे शाबाश तेरे को तो किताब पढ़ना आती है। तो पास में हमारे बहन जी थे, कहा इतनी माता पौड़ी क्यों हुए गुरु जी। मैं क्यों भाई इतनी माता पौड़ी, अपन ऐसी ऐसी 1000 रुपया 90 हजार रुपया देवे है गवर्नमेंट, और अगर हम इतनी माता पौड़ी नहीं करेंगे तो हम किसके लिए हैं। अब अभी अगर बच्चे नहीं हो तो बताइए हम किसके लिए बैठे हैं यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा जो मूल पाठ्यक्रम भी अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हैं, तालीम का शोर इतना, तेजी का गुल इतना, फिर भी बरकत नहीं है तो नियति में खोट है सर। अब इस खोट को निकालने के लिए हमारे शिक्षक साथियों के हृदय में परिवर्तन कैसे हो, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे साथियों के हृदय में परिवर्तन कैसे हो। मैं भी लगा हुआ हूँ लेकिन ये भी एक मुद्दा है कि हमारे साथी, क्योंकि जो प्रिंसिपल है उसकी वो टीम में चेंज कैसे लाए, मैं भी प्रयासों में लगा हुआ हूँ। तो वो सिविल सर्विसेज में जैसे
मांग आई थी मसूरी से और बहुत सारी एजेंसियों से कि एथिक्स जो है वो कमजोर है लोगों की, तो इससे सिद्ध होता है कि बहुत बुद्धिमान होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बुद्धिमान आदमी में अगर नैतिकता नहीं है तो वो लाखों लोगों के जीवन का अधोपतन कर सकता है, और एक बुद्धिमान आदमी के पास में नैतिकता है तो वो लाखों लोगों के जीवन में उन्नति का प्रकाश ला सकता है। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। थैंक यू बाबल जी, बहुत बढ़िया आपने मुद्दे को उठाया। दरअसल ओशो ने एक जगह लिखा है कि शिक्षा में क्रांति, उसमें बोला है कि पुराना शिक्षक तो मर चुका और नया शिक्षक अभी पैदा नहीं हुआ, हम सब लोग बीच की स्थिति में चल रहे हैं। तो वही स्थिति है कि अभी सब भ्रमित है कि क्या सही क्या गलत, और सबसे बड़ी बात कि चार कैटेगरी के शिक्षक या कोई भी कर्मचारी एक जगह होते हैं। एक तो वो जो न तो काम जानता और न करना जानता, न तो काम जानता है और न करना चाहता। दूसरा वो काम तो जानता है लेकिन करना नहीं चाहता। तीसरा वो ना तो काम मतलब काम करना तो नहीं जानता लेकिन वो करना चाहता है। और चौथा वो जो कि काम जानता भी और करना भी चाहता है। तो मेरे हिसाब से जो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है और काम करना जानता है लेकिन करना नहीं चाहता, उससे तो बेहतर वो व्यक्ति है जो कि काम जानता नहीं लेकिन करने की इच्छा उसके अंदर है। तो जो तीसरी कैटेगरी का व्यक्ति है वो भी हमारे लिए ग्राह्य है, और चौथी कैटेगरी वाला कि काम करना भी जानता है और करना जानता भी है चाहता भी है, ऐसे व्यक्ति तो हमारे लिए ही है पात्र। लेकिन जो करना चाहते नहीं, अब इसमें लीडरशिप में जो अक्सर हम बात दोहराते हैं और हमारे कई सारे साथी जुड़े हुए भी हैं और उन्होंने इस बात पर कहा कि हम एज ए प्रिंसिपल या एज ए हेड हम कई बार करते ही हैं। कि मुझे याद है कि एक ट्रेनिंग के दौरान जब मैंने साथियों से बात करी कि अपने 5 मिनट के अंदर अपने अपने विद्यालय की स्थिति के बारे में बताइए, तो उन्होंने उसमें से सारे लोग बता रहे थे, तो एक प्रिंसिपल ने बताया कि मेरा तो पीटीआई बहुत बेकार है, वो तो परमानेंट टेंशन टू द इंस्टीट्यूशन है, वो ऐसे करता है वैसे करता है ऐसे करता है, ऐसे करके पूरे 5 में से 4 मिनट उन्होंने इस पर निकाल दिए। फिर मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा यार ये बताओ आपके यहाँ टोटल स्टाफ कितने का है, तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ टोटल स्टाफ है 17 का। मैंने कहा गुड, तो उसमें एक पीटीआई हो गया तो बाकी बचे 16 और एक आप हो गए तो बाकी बचे 15। मैंने कहा पीटीआई को हटा दें तो आप बाकी 15 के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि 15 तो बहुत बढ़िया है, 15 अच्छे है। तब मेरा संकट ये था कि जो व्यक्ति किसी मतलब विद्यालय के किसी मतलब की दवा नहीं है, हम सारी की सारी एनर्जी उसको देना चाहते हैं। मैंने कहा कि 5 मिनट में से मुझे लगता है कि 4 मिनट उन लोगों के लिए आपको बोलना चाहिए जो विद्यालय में अच्छा काम कर रहे हैं, जो बेहतर सपोर्ट कर रहे हैं। तो लेकिन हम हो कर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सपोर्ट नहीं कर रहा, हम सारी की सारी एनर्जी उसमें निकाले दे रहे हैं, और उसे वो कह रहा है कि स्मूथ रनिंग विद्यालय की खत्म हो रही है। जब धीरे धीरे माहौल बनेगा, जब अच्छे लोगों को जब हम अवॉइड करना शुरू कर देंगे, तो ये लोग भी फिर धीरे धीरे करके उसकी कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। तो हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है संस्था प्रधान के नाते हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जो बेहतर काम कर रहे हैं, और उनको समय समय पर शाबाशी, समय समय पर एनकरेजमेंट, समय समय पर उनका रिकॉग्निशन करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से उसको समझ में आएगा कि यार मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे कि मैं भी प्रिंसिपल सर की निगाह में आऊं। जरूरी नहीं है कि आप सफल हो और असफल भी होंगे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं समझने का एक मौका मिलेगा। तो भंवर जी आपकी बात पूरी हो गई तो आप अपने हैंड डाउन कर सकते हैं। अभी कृष्णा जी अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। जी कृष्णा जी। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे वो जो 4 प्रकार के शिक्षक बताए हैं बहुत ही शानदार बताए हैं, और मेरा प्रयास जो है वो जारी है सर, अपने अच्छे शिक्षकों को काम में लेना और उनके द्वारा अन्य को प्रेरित करना, ये जो आपने बताया है वाकई अनुकरणीय है। मेरी बात पूरी हुई, धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी कृष्णा जी आप बताएं। सर हाँ सर, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। एक्चुअली अभी हम नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं कि बच्चों में हम इस तरह के मूल्य कैसे डेवलप करें। काफी चर्चा के बाद में ये भी आया कि बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए कोई बुक्स पहले थी
और अभी भी होनी चाहिए, नैतिक मूल्यों के लिए कोई पीरियड होना चाहिए, लेकिन मैं इन सब बातों से सहमत नहीं हूँ। मेरे अपने विचार हैं, मेरा मानना ये है कि नैतिक मूल्य यदि हमें बच्चों में विकसित करने तो हमें खुद कुछ आदर्श प्रस्तुत करने होंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताऊं कि मैं जैसे 10th क्लास की क्लास टीचर हूं, तो मैंने बच्चों का एक क्रम बांध रखा है कि आज रोल नंबर 1-2 झाड़ू लगाएगा, उसके बाद 3-4, ऐसे सारे बच्चे मिलके काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे झाड़ू नहीं लगाते, तो मैं खुद झाड़ू उठा के शुरू हो जाती हूँ, तो बच्चों को शर्म आती है और वो फिर झाड़ू लगाने लगते हैं कि नहीं नहीं मैडम आप छोड़िए। मैंने कहा नहीं, जब तुम काम नहीं करोगे तो मैं करूँगी। तो ऐसे ही मैं कुछ और एग्जांपल दूं कि आए दिन बच्चों की बर्थडेज होती है तो बच्चे टॉफी बांटते हैं, और टॉफी खा के जो छिलके होते हैं, टॉफी के रैपर्स होते हैं, वो उनको ऐसे ही कहीं कहीं फेंक देते हैं, और मैं हमेशा टॉफी खा के पर्स में रखती हूँ छिलके को, उसके रैपर को। तो बच्चे ये लोग देखते हैं, फिर बच्चे पूछते हैं मेरे से कि मैडम आपने पर्स में रख लिया? मैंने कहा हाँ, जब मुझे डस्टबिन दिखेगा तब मैं इसे डस्टबिन में डालूंगी। तो कुछ ऐसी हैबिट्स को मैंने देखा कि कोई भी कचरा मेरे पास होता है तो मैं उसको अपने पर्स में रख लेती हूँ, या अगर मुझे डस्टबिन दिख जाता है तो मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो बच्चे इसको फॉलो करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नैतिक शिक्षा हम कोई पाठ पढ़ाएंगे उससे नहीं आएगी, हमारे व्यवहार से बच्चे सीखते हैं। और बहुत सारी बच्चे, मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब बस में या ट्रेन में लोग मूंगफली खाते हैं और छिलकों को इधर उधर फेंक देते हैं, तो बड़ा इरिटेशन होता है, उनसे कुछ कहने का मन भी करता है लेकिन मैं नहीं कह पाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं अपना व्यवहार सही रखूँ, क्योंकि दूसरों को कह के शायद वो लड़ाई मोल लेना ही हो जाएगा। और अभी बहुत सारी बातें डिस्कस हुई, तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं भी देना चाहूंगी कि एक बार शायद यहीं का है वो, वनस्थली कैंपस का ही, कि एक इंटरव्यू सेशन चल रहा था, और इंटरव्यू सेशन में जो लोग हॉल में बैठे हुए थे तो उन सबके वहाँ नेचुरली एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, तो बारी बारी से सबको बुलाया जा रहा था और उनकी एक्टिविटीज को भी नजर रखा जा रहा था। तो काफी जो हाईएस्ट परसेंटेज वाले लोग थे वो लोग सब इंटरव्यू के लिए गए, बारी बारी से अंदर आ गए। लास्ट में एक जो मेरिट में काफी नीचे था बंदा, वो जब अंदर गया तो उसको सिलेक्ट कर लिया गया। तो वो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मेरे से अच्छे हाई मेरिट वाले जो लोग हैं उनको सिलेक्ट नहीं किया गया और मुझे चुन लिया गया। तो उसने पूछा कि सर ऐसा क्या रीजन है ऐसा, मेरी तो मेरिट भी बहुत हाई नहीं है। तो उसे बताया गया कि जब हॉल में सब लोगों के लिए कॉफी सर्व की जा रही थी तो हमने देखा कि बाकी सब ने तो जो चाय के अपने कप थे वो उधर टेबल पे ही छोड़ दिए और किसी ने ऐसे ही लुढ़का दिया, लेकिन आपने क्या किया, आपने चाय का कप उठाया और आपने प्रॉपर उसको डस्टबिन में डाला। तो मतलब एटिकेट्स भी आदमी देखते हैं, मतलब इंटरव्यू में इतनी बड़ी बात को एक बहुत हाईएस्ट परसेंटेज वाले को नहीं दे गया, एक एटिकेट को देखा गया। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमारे जो नैतिक मूल्य है वो हमारे अंदर हैं और हम उनको कैसे शो करते हैं, तो हमारा जो व्यवहार है वो हमें बताता है कि हमारे अंदर कैसे मूल्य हैं और वो बच्चे हमारे अनुकरण करते हैं। तो स्कूल में अगर हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल सेट करें, हम अपने व्यवहार को बदलें, तो डेफिनेटली बच्चों में वो चेंजेस आते हैं। और बहुत सारी बातें जानने को मिली, थैंक यू वेरी मच, इतना ही कहना चाहूंगी जी। धन्यवाद कृष्णा जी, और आपने एक सही मुद्दे को उठाया। वाकई ये जो चीजें हैं, कई सारी चीजें हमें अपने व्यवहार से सिखानी होती है। अभी जैसे बच्चों को कई बार, जैसे कोई बच्चा मेरे लिए पानी लेकर के आ गया, उसको बोलता हूँ थैंक यू, तो बच्चा मेरी शक्ल देखने लगता है, उसको पता ही नहीं कि आगे क्या बोलना है, तो वो बड़ा मासूम होकर के फिर मैं बोलता हूँ कि अच्छा है, देखो अभी ये ग्लास मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे थैंक यू बोलना। तो फिर वो जब ऐसा करता है तो फिर मैं उसको बोलता हूँ मेंशन नॉट या वेलकम या इट्स माय प्लेजर, तो उसको समझ आता है। तो मेरे कई सारे साथी जब भी, जैसे मान लो मेरी कार के लिए गेट बच्चे ने खोल दिया तो मैं शीशे को नीचे करके बच्चे को थैंक यू बोलता हूँ, तो मैं फिर वेट करता हूँ कि ये बच्चा क्या बोलता है। अब धीरे धीरे करके लगभग सारे बच्चों में मेंशन नॉट वेलकम ऐसा वाला सेंस आ गया। तो मेरे कुछ साथियों ने बोला कि सर ये बच्चों के जो पेरेंट्स है ना वो अवेयर नहीं है, उनको शिक्षा के बारे में ज्ञान नहीं, उनको पता ही नहीं है, इसलिए ये बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। तो मैंने कहा यार ये बताओ आप तो अवेयर हो ना अपने बच्चों के बारे में, क्या आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? तो समझ आ गया। मैंने कहा कि यार इन पेरेंट्स के बच्चे अभी अवेयर नहीं है, तभी ये हमारी रोजी रोटी बने हुए। जिस दिन ये अवेयर हो जाएंगे उस दिन ये भी अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाएंगे जहां आप नहीं पढ़ाना चाहते हो। तो मैंने कहा भाई इनकी अवेयरनेस का इतना ज्यादा भी फायदा मत उठाओ, इसलिए यदि इनके बच्चे के यदि पेरेंट्स नहीं सिखाते हैं तो गलती उनकी नहीं है, गलती कहीं ना कहीं हमारी है। तो हम शुरुआत अपने से कर सकते हैं जी। हमारे बीच में रामकृष्ण जी भी जुड़ चुके हैं और कोई साथी हमारा।
हेलो वीरेंद्र ने भी हेलो हाँ वीरेंद्र शर्मा जी भी काफी टाइम से हैंड रेज करते हैं फिर डाउन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आइए आने दीजिए आने दीजिए। तो वीरेंद्र शर्मा जी मैम मैं बोल रही हूँ सर मैं बोल रही हूँ हाँ, बताई थी झाड़ू वाली बात यही मेरे विद्यालय की बात है कि मेरे प्राइमरी के बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं तो मैं उनके साथ में झाड़ू लगाने लग जाती हूँ तो फिर जाले साफ करने लग जाती हूँ तो आजकल बच्चे अपने आप मेरे जाने के पहले अभी इस साल तो नहीं लेकिन लास्ट ईयर की बात है मेरे जाने के पहले झाड़ू लगाने लग जाते हैं और सफाई करने लग जाते हैं। मैंने कहा ये किसने किया मैडम हमने किया मैडम मतलब छोटे छोटे बच्चे भी सीखते हैं कि सफाई करना चाहिए सफाई करके बैठना चाहिए दरिया बिछा देते हैं टेबल कुर्सी लगा देते हैं तो वास्तव में सबसे पहले हमें ही आगे बढ़ना होगा बच्चों के सामने हमें ही काम करना होगा उनके साथ में मिलकर काम करेंगे तो बच्चों में अपने आप ही नैतिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा और वो अपने आप काम करने लगेंगे अपने को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पानी है पानी भर देते हैं वो तो वास्तव में नैतिक गुणों का अभाव नहीं है अगर हम देना चाहेंगे तो काफी बच्चे मैं आ सकती है ये भावना। धन्यवाद अरुणा जी और आपने प्राइमरी के बच्चों के लिए काफी काम किया है मुझे पता है आप सेल्फ डिफेंस से भी जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा जो मैं सभी साथियों को बता देना चाहूंगा कि हमारे साथ में जुड़े हैं जो प्राइमरी के बच्चे हैं हमारे साथ में जुड़े हैं वो शिक्षक भी जो सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं हमारे साथ नए प्रिंसिपल जुझारू मनीष जी की तरह कई नए लोग जुड़े हुए हैं हमारे पुराने कई सारे प्रिंसिपल साथी भी जुड़े हुए हैं जो सीनियर है। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा जाजम है जो कि हर शिक्षा के क्षेत्र में हर व्यक्ति जो किसी न किसी रूप में योगदान दे रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी इनपुट दे रहा है। तो यहाँ पर ये कोई भेदभाव नहीं कि कौन क्या पढ़ा रहा है कौन क्या नहीं पढ़ा रहा है कौन प्रिंसिपल है लेकिन सब अपने मन की बात कहने के लिए स्वतंत्र है। तो अभी किनका हैंड रेज हो रहा है वीरेंद्र जी है फिर मनीष वर्मा जी। हाँ मनीष जी से पहले जो है ना एक बार उनको आप इन्वाइट कीजिए। हाँ वीरेंद्र जी वीरेंद्र शर्मा जयपुर से मेरी आवाज आ रही है। आ रही है सर आ रही है जी बराबर। नमस्कार सभी को और मैं दो बातें काफी लंबे समय से जो चर्चा में आ रही थी उसको ले रहा हूँ। इसमें कृष्णा अवतार जी एक एग्जांपल दे रहे थे एक असेंबली में एक गीत का जो किसी और उसको लेके इनको परेशानी भी झेलनी पड़ी। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एग्जाम्पल बनता है कि अगर हम उस वक्त बच्चों के पास अगर वो जो गाना था मोहरा का उसके अलावा कुछ नहीं था तो हमें अल्टरनेट बना के देने पड़ेंगे ताकि बच्चों को और ज्यादा सीखने समझने की मदद मिले और अगर शिक्षक उसमें एक प्रयास अगर ये कर ले कि बहुत सारे बाल गीत और देशभक्ति गीत जिनको वो शामिल करना चाहता है उसके लिए बच्चों के साथ लगातार कुछ ना कुछ उनको लिखित में दे के या उनके साथ गा के धीरे धीरे अल्टरनेटिव बनेंगे तो वो जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं गीत उनका अल्टरनेट उनको मिल जाएगा और उसको वो करने लगेंगे। एक तो मुझे लग रहा था ये बात कहने की थी मुझे। जी एक बार आपका चेहरा जरूर दिखाइए क्योंकि वो चेहरा एकदम स्क्रीन पर नहीं आ रहा आपके जो अवार्ड है अवार्ड तो दिख रहे हैं। सर ये तो मनीष जी है चेहरे चल जाएगा मैं मेरे को चलाना नहीं आता मैं मोबाइल से कोई बात है नो प्रॉब्लम आपके विचार आ गए थैंक यू सर वीरेंद्र जी थैंक यू। दूसरा मैं कुछ और बातें मुझे कहनी थी उस पे भी मैं कहूं कि एक खास बात यह है कि ये जो कहा जाता है कि बच्चा कहीं भी सीख सकता है और तो सवाल है कि जब कहीं भी सीख सकता है तो स्कूल नाम की संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। असल में स्कूल एक ऐसी जगह पर है जहाँ शिक्षक उसके सीखे हुए ज्ञान को दोबारा से परखने और उसको बेहतर करने में मदद करता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर सोसाइटी में कुछ भी सीख लेगा तो गड़बड़ होने की संभावना है तो शिक्षक यहाँ पे उसके अर्जित ज्ञान को रिफाइन करता है और उसको एक दिशा देता है इसीलिए हम फैसिलिटेटर कहने लगे उसे। जैसे उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे को बहुत सारी चीजें उसको पता होती है टीचर उसको कंसोलिडेट करता है क्लासिफाई करने में मदद करता है कि वो उसको क्लासिफाई करके आगे बढ़ा पाए। तो दूसरी बात मुझे ये कहनी थी। तीसरा जो मोटी बात जो कृष्णा जी कह रही थी और बाकी कुछ साथियों ने भी कहा नैतिक मूल्य असल में हमें इनकलकेट करने होंगे नैतिकता सिखाने से नहीं आती
नैतिकता को इनकल्केशन करने की जरूरत होती है, और ये मुझे तो ऐसा ही लगता है कि हमें इसको थोड़ा सा देखना समझना पड़ेगा। विशेष रूप से जिस तरीके से आज सोसाइटी के अंदर वैल्यू सिस्टम को लेके या मॉरल वैल्यू का गिरावट आ रही है, तो हमें उन मॉरल वैल्यू को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ मिला के देखना होगा। मैं तीन बात ये कहने की कोशिश कर रहा था, धन्यवाद। और इसमें कोई क्लैरिफिकेशन है तो मैं वो दे सकता हूँ। नहीं जी, कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं वीरन जी, और वाकई सही बात है, वैल्यू और मूल्यहीनता समाज के अंतर्गत आ रही है। और अभी कई बार मैंने देखा है हमारे शिक्षक साथी कहते हैं कि सर शिक्षक का तो सम्मान घट रहा है। मैं कह रहा हूँ कि शिक्षक के सम्मान की चिंता मत करो, शिक्षक का सम्मान नहीं घट रहा। जब अवमूल्यता, जब मूल्यहीनता आती है, जब कहते हैं ना कोई तालाब विषैला होता है, तो किसी एक कोने से विषैला नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा तालाब विषैला होता है। ऐसे ही जब मूल्यहीनता आ रही है, तो केवल पुलिस विभाग, केवल पॉलिटिशियन, केवल बैंक कर्मी, केवल ये फैलाना उनके लिए नहीं, ये शिक्षक है वो भी समाज का हिस्सा है, और कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत भी ये मूल्यहीनता आ रही है। समाज ये नहीं है, सवाल ये कि अभी भी हमारा कहते हैं ना शिक्षक का सम्मान कम हो गया। अभी मैं कह रहा हूँ किसी वकील साहब को, अभी मैं किसी विशेष पेशे की बात नहीं कर रहा, किसी वकील साहब को, किसी पुलिस वाले को किसी गांव में अपना कमरा किराए से लेने के लिए भेज दो, और उधर आप एक शिक्षक को कमरा किराए के लिए भेजो, तो अपने आप पता पड़ जाएगा कि किसकी इज्जत है, किसकी इज्जत नहीं है। तो अभी भी शिक्षकों की इज्जत के बारे में अभी इतने ज्यादा फर्क की जरूरत नहीं, बस हम अपना काम ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ करते चले जाए, इज्जत तो हमारे पीछे पीछे भागेगी। जी मनीष जी, आपका हाथ हैंड रेज हो रहा है, प्लीज। सर धन्यवाद, मैं एक निवेदन यहाँ पे कर रहा था कि वीरेंद्र जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी की थी, उसको थोड़ा सा आप उनको उनसे अगर एक निवेदन है कि उसको थोड़ा सा और एक विस्तार दें कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू के साथ जोड़ने वाली बात थी, तो वो किस प्रकार से और क्या संभावनाएं होती हैं, अगर वो बता पाए तो सबको लाभ होगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। सर जी वीरेन जी आ जाए एक बार। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। वीरेंद्र जी बड़ा महत्वपूर्ण, ये अगर मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है इसीलिए शायद एनसीईआरटी ने और बाकी सभी पाठ्य पुस्तक मंडलों ने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पुस्तकों में छापा, और वो एक पेज छापा इसलिए कि जब भी हम शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ या जो भी मेरे को काम करना है कक्षा में या बच्चों के साथ बातचीत करते हुए या कुछ भी करते हुए, तो मुझे उन बातों को ध्यान में रखना है। जब भी मैं कक्षा में मैथ्स पढ़ा रहा हूँ तो मैथ्स पढ़ाते हुए उस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को किस तरीके से ला पाऊँ वो मुझे आइडिया सोचने पड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर पर्यावरण अध्ययन की बात कर रहा हूँ, तो पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते हुए मेरा मुख्य विषय पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान है, तो उसी का मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। तो अगर मैं कक्षा कक्ष में पानी की बात हो रही है तो पानी पे बात करते हुए मैं बच्चों से बात करूंगा कि अच्छा ये बताइए गांव में पानी किन किन घरों में नल है और किन घरों में नल नहीं, तो ये बच्चों से सर्वे करवाऊंगा, और सर्वे करवाने के बाद मैं बच्चों के साथ बात करूंगा तो बच्चे जब ये सर्वे करके लाएंगे तो मैं ये कहूंगा कि अच्छा ऐसा क्या हुआ कि इन ये जो इलाका खास है इसमें नल क्यों नहीं है और बाकी इसमें नल क्यों है हर घर में, तो बच्चे सवाल करेंगे शायद संभवतः जवाब देंगे कि ये अमीरों के घर है और ये गरीबों के घर है या दलित के घर है और इनके पास पैसा नहीं है, तो भाई इनका क्या हक नहीं है। तो ऐसी बातों को मैं उठा के उन मूल्यों की तरफ लेके जाऊंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है, और अगर ये चीजें अगर उस तक जाएंगी तो एक रास्ता उसके लिए बनता है, और शिक्षक का मूल काम उन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इनकल्केट करने का रास्ता यही बनता हुआ दिखाई देता है। अभी जैसे उदाहरण के लिए हम बच्चों को छोटा मान के उनकी बात को यानी कि डिसएग्री करते हैं, अगर मैंने अपनी कक्षा में बच्चों से बात की भाई आज तुम्हें कौन सी बात मेरी अच्छी नहीं लगी, तो अगर बच्चे कहते हैं कि आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनको सवाल उठाने का मौका दे रहा हूँ, और सवाल जब उठते हैं
तो समता और समानता आने के रास्ते बनते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को हम बेहतर करने के रास्ते बनाते हैं। सवाल यह है कि हम ये अभी कह देते हैं कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देख रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बनेगी तब कब, जब हमारी कक्षाओं में लोकतांत्रिक तौर तरीकों से डिस्कशंस होने लगेंगे और निर्णय लिए जाने लगेंगे। और 21 साल के बाद वो बच्चा जाके निर्णय ले पाएगा, ये बड़ा असंभव हो जाएगा। फिर तो निर्णयों को मानेगा, हमें निर्णय लेने वाला, निर्णय मानने वाला नहीं बनाना है इंसान को, हमें निर्णयों को लेने वाला बनाने की आवश्यकता है। मेरे को दो बातें मुझे तुरंत याद आ रही है, और इसके अलावा अगर कुछ कहेंगे तो और बात भी कहूंगा। शायद मुझे लगता है मेरी बात स्पष्ट हो गई होंगी। मनीष जी, आपने उस सवाल को दोबारा उठाया, इसलिए सर धन्यवाद। सर मुझे या कुछ और उदाहरण दूं? सर बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे अपने कृष्ण कुमार जी का एक वीडियो एनसीईआरटी का याद आया, जो कि शिक्षा के उद्देश्य पर है, और संभवतः यूट्यूब पर एकमात्र वीडियो अगर आपको शिक्षा के उद्देश्य पर मिलेगा तो कृष्ण कुमार जी का मिलेगा, जो स्पष्ट करता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो जो आपने बात कही है वो बात वहीं से, वो भी वही बात कहते हैं कि भाई हमारा जो प्रियम्बल है, हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, वहां पर हम एक परिकल्पना को करते हैं कि एक नागरिक जो कैसा हो। हम एक सिटीजन की बात करते हैं, हम एक रेजिडेंट की बात नहीं करते, हम सिटीजन की बात करते हैं, जिसमें वैल्यूज होंगी, जिसके कुछ राइट्स होंगे, जिसकी कुछ ड्यूटीज होंगी, और हम पूरी शिक्षा व्यवस्था से एक सर्वांगीण व्यक्तित्व को विकसित करना चाहते हैं जो वैसा हो। मतलब हम कोई IITian नहीं पैदा करना चाहते है ना, हम कोई डॉक्टर नहीं पैदा करना चाहते, हम एक सिटीजन को क्रिएट करना चाहते हैं जो चाहे वो कुछ भी बन जाए, फिर वो आर्टिस्ट बने, वो IITian में जाए, चाहे वो IAS बने, चाहे वो पेंटर बने, चाहे वो टीचर बने, व्हाट्सएवर, वो बहुत बड़ा कोई विषय नहीं है। तो वीरेंद्र जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की और मुझे लगा था कि वो अधूरी रह गई, इसलिए मैं आपने उन निवेदन को स्वीकार किया। कृष्ण जी धन्यवाद जी। मनीष जी बहुत तो बात तो यहाँ पर कहना चाह रहा था वो ये, रिलेट सर, जैसे महेंद्र गुप्ता जी ने जो बात की थी उनसे मैं प्रेरित होकर ही कुछ यहाँ पर कहना चाह रहा था। सबसे पहले तो धन्यवाद सर कि महेंद्र जी ने बिल्कुल शिक्षा की जो एक पूरी की पूरी एक बहुत ही शॉर्ट उसमें, और उन्होंने पूरी व्यवस्था के बारे में बताया कि कैसे एक करिकुलम है और कैसे पुस्तक है और कहाँ शिक्षण है, तो उसकी एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन है ना, अब वही उसी चीज को मैं थोड़ा सा चाह रहा था, क्योंकि मैंने टॉपिक अभी देखा, मैंने टॉपिक ही नहीं देखा था कि किस पर बात हो रही है। तो बच्चों की समझ की शिक्षण और बच्चों की समझ, हाँ विद्यार्थी की समझ, तो अब इसमें इधर हम कैसे शिक्षण करें और विद्यार्थी की समझ कैसे डेवलप हो। कई बार हम ये मान के चलते हैं कि विद्यार्थी कोरा कागज है, विद्यार्थी गीली मिट्टी जैसे चाहो वैसे बना लो। दरअसल विद्यार्थी गीली मिट्टी कभी नहीं है, विद्यार्थी कोरा कागज भी नहीं है, वो अपने घर से कई सारे अनुभव लेके आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और, क्योंकि मैं ये सारा का सारा मोबाइल से कर रहा हूँ तो इस पे स्क्रीन पर कैसे दिखाया जा सकता है, तो मैं अपने दूसरे मोबाइल का यूज कर रहा हूँ, वो जो देसी तरीका है। तो देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा, नहीं कोई बात नहीं कर रहे। जैसे ये आप देख रहे हैं कुछ बच्चे ग्रुप में बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसके अलावा कुछ ये बच्चे कक्षा आठवीं के बच्चे ग्रुप में बैठ के काम कर रहे हैं। दरअसल मैंने इनको काम किया दिया था, खाली बैठे हुए थे तो मैं राउंड ले रहा था, तो मैंने देखा कि शिक्षक नहीं थे, तो मैं दो मिनट के लिए क्लास में गया और उन बच्चों के साथ बात करी, और मैंने कहा अच्छा ये बताओ आपको अपने गांव में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि रूढ़िवादिता या जो नहीं होनी चाहिए वो होती है। तो बच्चों ने इस प्रकार से सारे बच्चों ने मिल करके ऐसे एक एक पन्ने में लिखा, और जो बातें लिखी वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि समझ में आएगा कि आठवीं क्लास के बच्चे जिनको कि ये समझ है कि गांव में क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। उन्होंने लिखा है बाल विवाह, घूंघट निकालना, लड़की को विद्यालय न भेजना, मरने पर भोजन कराना, लड़कियों से काम करवाना, टीचर का क्लास में गुटखा खाना, लड़कियों की भ्रूण हत्या करना, लड़कों को रत्न समान मानना, लड़कियों को घर से बाहर ना निकलने देना, लड़कियां खिलौने रसोई के होते हैं,
हाँ तथा लड़कों के खिलौने कार वगैरह होती है और लड़कों को टेलीविजन देखना एवं लड़कियों से काम करवाना। दरअसल क्या ये जो ग्रुप था ना ये लड़कियों वाला ग्रुप था तो ये कई सारी बातें लड़कों को बैठे अच्छी आवाज ऐसे करके तो ये कुछ चीजें ऐसी थी कि जो बच्चियां महसूस करती थी कि ये कुछ हो रहा है गलत हो रहा है और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं अपनी बात मन की कह सकूं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के मन में है, ये लड़कियों के मन में एक दबी हुई आवाज है जो कि मुकरित करना चाहते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि वो अपनी बात को कह सके और फिर शिक्षक उस आधार पर अपनी शिक्षा तय करे कि ऐसा नहीं कि ये सारी बातों के जवाब तो हमारे पास हिंदी में, सामाजिक ज्ञान में, अंग्रेजी में, संस्कृत में ऐसे कई सारे पाठ हैं जो कि इन विषयों को लेकर के चलते हैं। अब ये जो चीजें लेने के बाद जब मैं पाठ पढ़ाऊंगा तब फिर मैं बीच बीच में इनपुट दूंगा कि देखिए हमारे एक ग्रुप ने ऐसे ऐसे लिखा था तो क्या ऐसे दूर हो सकता है। अभी जो मीना मंच के बारे में कई सारे लोग जानते हैं और मीना मंच में जो 13 कहानियां दे रखी हैं वो 13 कहानियां इसमें कवर होती हैं और हर स्कूल में लगभग जो नोडल स्कूल थे हमने मीना मंच की जो किट पहुंचाई गई थी। अब उन 13 कहानियों में से यदि बच्चों के सामने बांट दें कि ठीक है भाई लो और पढ़ करके वापस ले आना, कोई एंट्री ना कराए, कोई फटेगी फट जाने तो कोई बात नहीं लेकिन पढ़ करके वो किताब खत्म होगी। तो ये कुछ 2-3 तरीके ऐसे हैं कि हम बच्चों की समझ विकसित कर सकते हैं और उनको खुद सोचने का मौका दें और जब हम उनके सामने परिस्थितियां लाते हैं तो वो खुद बोलते हैं और फिर उनसे ही पूछें कि अच्छा आप ये बताओ यदि आप पिता होते, यदि आप माँ होते तो घर में इन माहौल को क्रिएट ना करने देने के लिए क्या करते, यदि आप प्रिंसिपल होते तो क्या करते। वो बच्चों ने बड़े प्यार से बताया कि मैं किसी भी टीचर को गुटखा नहीं खाने देता ऐसे करके, यानी वो चीजें जो कि प्रिंसिपल की तो आंखें 2 होती हैं लेकिन बच्चों की जो 500 बच्चे हैं ना उनकी 1000 आंखें होती हैं। तो वो बच्चे से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो सारी व्यवस्था समझ में आती है कि आखिरकार मेरे विद्यालय की पहल क्या होनी चाहिए, मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे कि हम बच्चों की समझ कैसे डेवलप करें, हम वो क्या क्या करें जिससे कि कहते हैं शिक्षक के पास उत्तर बेशक ना हो लेकिन प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे होने चाहिए। यदि वो शिक्षक बच्चों से प्रश्न करना सीख जाए और बच्चों को उत्तर खुद के निकलने देवे कि हर बच्चे अलग अलग होगा, हर बच्चे को बोर्ड पर लाने की, अच्छा कई बार बच्चे शैतानी भी करेंगे। देखिए एक बार क्लास में एंटर किया तो कुछ बच्चे ऐसे पिरामिड बना, देखिए कुछ बच्चे इस तरीके से पिरामिड बना करके और वो खड़े हुए थे, तो जैसे ही मैं गया तो नीचे एकदम जंप लगाई इन्होंने, ये देखिए जैसे ही मैं गया तो सब ऊपर से फटाफट कूदे। तो मैंने उनको लगा कि सर अब हमारी पिटाई करेंगे, मैंने कहा नहीं नहीं एक बार मुझे वापस बना के दिखाओ, तो उन्होंने वापस वो पिरामिड नीचे से ऊपर ऊपर करके बताया। फिर मैंने पीटी साहब को बताया था कि मैंने कहा ये 2-3 बच्चे है, 10-12 बच्चे, अब की बार जो अपन 15 अगस्त का प्रोग्राम करेंगे तो जो पिरामिड में सबसे ऊपर वाला बच्चा होगा झंडा पकड़ने वाला ये बच्चा होगा। और वाकई उन्होंने वो किया तो इन बच्चों को फिर वो ड्रेस पहना करके हाथों में वो गुब्बारे लगा करके जब करवाया तो बच्चों को लगा कि हमें लगता है कि ये बच्चों की जो शैतानी है ना ये शैतानी हमारे बड़े काम की चीज होती है। कोई बच्चा गुनगुना रहा है तो हमारे बड़े काम की चीज है, कोई बच्चा यदि खेल रहा है तो हमारे बड़े काम की चीज है। तो ऐसी कई सारी चीजें कुछ मेरे क्या मतलब की हो सकती है। ऐसे ही एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेड टीचर, हम सारे शिक्षकों में अलग अलग अनुभव है, अलग अलग उनकी योग्यता है और हम सारे करते भी हैं कि कोई शिक्षक को तो पटेलाई में बड़ा मजा आता है, बाहर घूमने में बड़ा मजा आता है, तो उस शिक्षक को यदि अपन काम सौंप दे कि ठीक है तू बामा साहब को लाने का जिम्मेदारी तुम्हारी है, यदि ये कार्यक्रम है तो तुमको समाज की SDMC SNC के मेंबर को लाने की, तो मुझे लगता है वो अन्य शिक्षक से बेहतर काम कर पाएगा। उस शिक्षकों को पढ़ाने में मजा आता है, उस शिक्षकों को खिलाने में मजा आता है। तो ये सारी चीजें एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेड टीचर हम यदि देख करके योग्यता का लाभ तो बच्चों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मेरा एक ही मोटो होता है विद्यालय में या किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि विद्यालय की जो स्मूथ रनिंग है, चाहे विद्यालय की स्मूथ रनिंग है चाहे घर की स्मूथ रनिंग है, उसको बिल्कुल नहीं बिगड़ने देना है। यदि एक या दो व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करने देना है, क्योंकि कई बार हम प्रिंसिपल या शिक्षक साथियों में इतनी तनातनी हो जाती है कि प्रिंसिपल का पूरा ध्यान उस टीचर को डाउन करने में
और उस टीचर की पूरी शक्ति प्रिंसिपल साहब को डाउन करने में लग जाती है। साहब पति पत्नी में यदि जब कभी चाहे तो पत्नी हारे या पति जीते, हार हमेशा बच्चे की निश्चित होती है। ये बात यदि हम लोगों को समझ आ जाए तो टीचर की सैलरी बराबर मिल रही है उस दौरान और प्रिंसिपल की भी सैलरी बराबर मिल रही है, पर उस दौरान जो बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उसका खामियाजा हम में से कभी पूरा नहीं किया जा सकता। ये बात यदि हमारे ध्यान में रहे तो हम कई सारी चीजों को अवॉइड करना सीख जाएंगे, कई सारी चीजों को आंख मिचना सीख जाएंगे। वो सासें जो 24 घंटे बहुओं के ऊपर आंख गड़ाए रखती है उनकी स्थिति क्या होती है? अच्छी सास वो है जो को कब आंख मिचना है और कब आंख को खोलना है ये समझ आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि किसी घर में या विद्यालय में तो करना पड़े। जी कृष्ण अवतार जी, महेंद्र जी, हेलो। हाँ हाँ, यस यस। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि दरअसल जैसा भी आपने कहा कि हर एक विद्यालय में हर एक साथी में कोई न कोई अलग अपनी क्वालिटी होती है। दरअसल आवश्यकता इस बात की है कि वो अपनी क्वालिटी को कब कहाँ दिखाए, कैसे शेयर करे। इसके लिए विद्यालय में जैसा भी भवनलाल जी भी कह रहे थे कि किसी एक अजमेर में तो आपस में वो चर्चा कर लेते थे शैक्षिक, और बाकी जहाँ वो नागौर में चले गए वहां फालतू की दूसरी चर्चाएं हो गई। हम कई बार खुद चाहते भी हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर ऊपर हम बात करें, पर कई बार ये भी डर लगता है कि पता नहीं मैं एकेडमिक मुद्दों पे बात करूंगा तो मेरे साथी इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या सोचेंगे कि ये फालतू का क्या ज्ञान बांट रहा है अलग से। कई बार ये होती है, मगर विद्यालय में हम मिलकर एक ऐसी चाहे एज संस्था प्रदान या साथियों के साथ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे लास्ट डे वर्किंग होता है हमारा, और उस दिन बच्चों का हाफ डे के बाद लास्ट के 2-3 पीरियड हमारे पास खाली से रहते हैं, तो उस दौरान एक स्टाफ मीटिंग डिसाइड पक्की, ऐसा मैंने प्रयोग अपने विद्यालय में किया भी है अभी, कि उस दिन हम केवल इन्हीं मुद्दों पे कि कौन टीचर 2-4 टीचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अपने विचारों को शेयर करें। अलग अलग विषय हो सकते हैं हर बार के, कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट को लेके, क्लासरूम की टीचिंग के इंप्रूवमेंट को लेकर वो जो बच्चों के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं वो अपने अनुभव शेयर करें। मेरा ये मानना है कि जब इस तरह का करते हैं तो बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर भी आती है कि मैं अपनी बात बताऊं, क्योंकि हर व्यक्ति को ये लगता है कि उसके अंदर जो भी वो क्वालिटी है वो शेयर करना चाहता ही चाहता है, मतलब उसे वो ऐसा अवसर और मंच तो मिले जब वो अपनी बात को रखे, और धीरे धीरे इसका सकारात्मक प्रभाव अन्य शिक्षक साथियों पे भी पड़ता है जो भी वह चीज बनाना चाहता है। दूसरा एक तरीका छोटा सा ये भी हो सकता है कि जैसा भी आपने शायद पहले भी चर्चा में कहा था कि हम जो भी बेहतर काम करें, हर माह एक शिक्षक को हम एप्रिशिएट के तौर पर एक सर्टिफिकेट या छोटा सा कोई मोमेंटो ऐसी चीज भी दे सकते हैं उसके बेहतर काम के लिए, जिससे वो अपने काम को तो लगातार बेहतर करेगा ही, पर बाकी अन्य टीचर भी ये इस बात को सोचेंगे कि अगर यार मैं भी बेहतर करूं तो मुझे भी ये चीज कब मिलेगी। तो एक इसका पॉजिटिव प्रभाव लोगों में पड़ता है, जिसके अंदर थोड़ी नकारात्मकता आती है वो भी अपनी नकारात्मकता को छोड़ने का कुछ न कुछ प्रयास करता है, क्योंकि ये एक मानवीय स्वभाव है कि हर आदमी चाहता है कि मेरी तारीफ हो, मेरे को जाना जाए, तो इसलिए ऐसा वातावरण को बनाकर विद्यालय में देने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो मैं कहता हूँ कि जो बात कहना चाह रहा हूँ कि जो हम बच्चों के सीखने सिखाने की बात करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा वाली बात, कि वो विद्यालय में जो टीचर जा रहा है वो पढ़ाने के साथ साथ पहले बच्चों में उस टॉपिक से रिलेटेड या जो चाहता है जिज्ञासा पैदा जरूर करे। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूं आपको, तो मैं एक बार एक क्लास 8 के अंदर गया और मैंने ये देखना चाहा कि बच्चों का देखे लेवल क्या है, इनको मैं थोड़ा सा गणित के बारे में इनके साथ काम करूं। तो मेरा मन ये, मैंने बच्चों से वैसे ही पूछा कि अच्छा टेबल पहाड़ा जो है किसको कितना कितना आता है, तो मोस्टली क्लास में बच्चे 1-2 बच्चे थे जिनको 12-13 तक आते थे, बाकी 10 तक बच्चों ने कहा हाँ 10 तक के पहाड़े ऐसे आते। अब मैं ये बच्चों को अगर डांटता या कहता कि अच्छा तुमको 15 तक भी नहीं आते, 20 तक भी नहीं आते, तो शायद बच्चों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैंने बच्चों से बात की, अच्छा चलो छोड़ो, अपने एक जादू कौन कौन देखना चाहेगा, कौन कौन सीखना चाहेगा, तो बच्चों ने सबने कहा सब जादू दिखाओ, जादू दिखाओ। और मैंने बच्चों के साथ एक गणित का मैजिक उनके साथ काम किया। लास्ट में जब वो संख्याएं जो उनको पता नहीं थी वो आई जादू से, तो बच्चों ने कहा कि अच्छा आपको ये कैसे पता लगा कि ये जो यही आएगी संख्या, कैसे पता लगाया? तो मैंने कहा भाई देखो ये तो एक मैजिक है,
तो कह साहब हमको सिखाओ। मैंने कहा जरूर सिखाऊंगा, मगर उन बच्चे को सिखाऊंगा जो मुझे 20 तक के पहाड़े सिखाएगा, जो पहाड़े सुना देगा उस बच्चे को मैं जादू सिखाऊंगा। यकीन मानिए 2-3 दिन के भीतर ही दूसरे दिन से ही बच्चे मेरे पास आना शुरू हो गए। कोई इंटरवल से पहले आता, कोई इंटरवल के बाद आता, वो जादू हमको बता दो मेरे को 20 तक के पहाड़े याद हो गए। और उस क्लास में केवल 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनको नहीं आए, बाकी मोस्टली बच्चों ने 20 तक के पहाड़े याद कर लिए, जो शायद मैं अगर किसी भी प्रताड़ना करता या कितना भी प्रयास करता तो वो नहीं सीख पाते। तो हम ऐसी छोटी छोटी क्या गतिविधि करें कि जिससे बच्चों की जिज्ञासा बढ़े और उस सीखने का उनका भाव बने। जब तक वो नहीं होगा तो हम कितना ही प्रयास करेंगे वो सीखेंगे नहीं। दूसरी जो बात आपने कही कि छोटे छोटे एफर्ट, जैसे हम कई बार आज ये कहते हैं कि हम ग्रुप में, आपने देखा होगा शायद ये मैसेज आपने कितने लोगों को भेजा होगा और इसका जुड़े कितने लोग होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो जुड़े नहीं होंगे वो उनकी अकेडमिक प्रायोरिटी नहीं होगी। हो सकता है उनकी कोई और प्रायोरिटी हो और कोई काम हो, ये नहीं कह सकते कि वो लोग खराब ही ऐसा वो सोचते ही नहीं हो। हाँ हाँ बहुत बढ़िया बोल रहे थे सर, बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई टेक्निकल समस्या। नो प्रॉब्लम, ऐसा हो रहा है, ये हकीकत है। यदि हम में से कुछ साथी नहीं जुड़ पाए तो उनकी कुछ विशेष रीजन रहे होंगे, और हम मुझे पता है जैसे हमारे में से कुछ साथी हैं, जैसे कृष्णा जी हैं, और वो अभी उनकी फैमिली में कुछ लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे और उसके बावजूद भी उन्होंने ये समय निकाला। हमारे ऐसे अन्य साथी भी हैं, आजकल जो महामारी फैली रही है तो उसके बावजूद भी हम एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान के लिए यदि समय निकाल पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा है, संकेत है, और इससे बेहतर कोई इस यूज का टाइम का यूज हो नहीं सकता। और इस कार्यक्रम और इस समीक्षा या जो इसको बस मैं दुष्यंत जी की 4 लाइनों के साथ में समेकित करके और सीधा मुरलीधर जी को मैं माइक को सौंपूंगा मैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। थैंक यू, शुक्रिया मुरलीधर जी, ओवर टू यू। तो सर अब क्या कहूं मैं, लेकिन आज का जो विमर्श रहा बहुत ही अच्छा रहा, और इसका समय तो 1 घंटे के आसपास था लेकिन 2 घंटे तक विमर्श चल रहा है, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे पास हमारी और इच्छा है कि ये चले तो इसकी गुणवत्ता का तो यही सबसे बड़ा पैमाना है कि कितना अच्छा विमर्श रहा। और सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी इस तरह मिलते रहेंगे और आपका सहयोग अपेक्षित है, सहयोग लेते रहेंगे। और विशेषकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपके प्रयासों से ये इस तरह का एक इतना अच्छा विमर्श चल रहा है, दूसरी कड़ी है, और इस विमर्श की 3री कड़ी अपन अगले सप्ताह में करेंगे। हाँ, सप्ताह में एक बार हम इस प्रकार का विचार विमर्श कर सकते हैं। हाँ। और कोई साथी को यदि अपनी शेयरिंग करना चाहे कि भाई और हम क्या कर सकते हैं तो उस पर अपने, हाँ, यदि तो कोई एक्सपर्टाइज, जैसे हमारे कई सारे लोग हैं एक्सपर्टाइज है, जैसे महेंद्र गुप्ता जी, मुझे लगता है कि कभी मैथमेटिक्स उनका जो गणित पर जो पकड़ है और गणित में जो उन्होंने प्रयोग किए हैं, मुझे लगता है कि कभी जब मौका मिलेगा तो एक पूरा सेशन गणित की एक्सपर्टाइज पर लिया जाएगा। मनीष जी वर्मा है, उनका एक अपना अलग अनुभव है, मैं चाहूंगा कि एक सेशन में मनीष जी को भी लेकर के करेंगे अपन। तो इस प्रकार से हम आगे और कई सारे लोग जैसे साइंस की कृष्णा जी हैं, उन्होंने कई सारे बच्चों के साथ प्रैक्टिकल किए हैं, बच्चों से ऑनलाइन प्रोग्राम करवाए। तो ऐसे अरुणा जी हैं, उन्होंने सेल्फ डिफेंस पर काफी सारा काम किया है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में काम किया है, तो हम चाहेंगे कि इनको आगे करके एक सेशन लेंगे अपन। तो जी मुंडू जी, सर ये तय कर ले सकते हैं अपन कि अगले सप्ताह में मनीष जी ले रहे हैं कि महेंद्र जी ले रहे हैं, कृष्णा जी ले रहे हैं। मैं सबसे में जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक बार सबसे अलग से बात कर लूंगा कि आप किस विषय में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो वो मुझे बता देंगे। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू, नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू सर। एक बार और पुनः सभी साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।